लाइव करिए। हेलो हो गया। गुड मॉर्निंग भाई सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी लोगों को, राधे राधे स्टूडेंट सभी लोगों को। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा स्टूडेंट, फटाक से वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए, हम लोग क्लास में आपका जल्दी से अटेंडेंस आप सभी लोग दे दीजिएगा, ठीक है। और एक बार कन्फर्म करिएगा, क्या वॉइस आपको प्रॉपर सुनाई पड़ रहा है क्या? एक बार कन्फर्म करिएगा, क्या वॉइस आपको प्रॉपर सुनाई पड़ रहा है? ओके, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, ठीक है। सभी लोगों को नमस्ते, सभी लोगों को राम राम स्टूडेंट। तो चलिए जल्दी से स्टूडेंट आप लोग आ जाइए, ओके। आज हम लोग बात करेंगे ना सर्किट ब्रेकर का। थंबनेल में आपने देखा भी होगा और कल भी मैंने आपको बताया था कि 10 बजे से, सुबह 10 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्किट ब्रेकर, ओके। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। चलिए स्टूडेंट वीडियो को आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। और आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं स्टूडेंट, कल आपका संडे है तो कल आपका फिर मैराथन क्लास में लूंगा आपका ट्रांसमिशन का, मतलब ट्रांसमिशन एंड जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उसका भी आपका मैराथन क्लास चलेगा। कम से कम 3 से 4 घंटे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा, ओके। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोग आ गए, सभी लोग आ गए क्या? गुड मॉर्निंग भाई, चलिए आ गए सभी लोग, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आपने देखा होगा बिहार स्टेट जो आपका है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपका, वहाँ पे वैकेंसी रिलीज हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट आपके यूपी के हैं या फिर जो भी स्टूडेंट बिहार के आपके हैं या किसी भी स्टेट के हैं, आप फॉर्म बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं, कोई आपका इशू नहीं है। चाहे आप NCVT से करिए, चाहे SCVT से करिए, कोई भी आपका प्रॉब्लम नहीं है, समझिएगा। आप अगर अदर स्टेट के हैं तो जनरल में क्वालिफाई करेंगे, और अगर मान लीजिए आप बिहार स्टेट के हैं तो आपके लिए अलग अलग कैटेगरी में आपका दिया है, उस कैटेगरी में आप फाइट कर सकते हैं। ओबीसी वाले बच्चे ओबीसी जनरल दोनों में जाएंगे तो दोनों सीट आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आपका क्या, आज हम स्टार्ट करेंगे सर्किट ब्रेकर। तो एक काम करिएगा, जो आपका बिहार PCL का जो सिलेबस उन्होंने मेंशन किया हुआ है उसमें आप देखेंगे जो आपका दूसरा टॉपिक है आपका, वहां पे लिखा गया है सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो उसी टॉपिक के अनुसार हम लोग कवर करेंगे स्टूडेंट, और ये वीडियो आपका बुद्ध बैच में भी जाएगा, जो आपका बुद्धा बैच हम लोग बिहार स्पेशल के लिए आपका चल रहा है, जिसमें अभी ऑफर है आपका 1000 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो उसमें ये वीडियो सारे अपलोड कर दिए जाएंगे, बाकी प्रीवियस जो मैंने वीडियो आपके पढ़ाए हैं वो सारा वीडियो आपका उसमें अपलोड है, ठीक है सर। तो वहां पे आप नोट्स आपका प्रॉपर वीडियो देख के नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट आपका, हाँ फीस 1500 लग रहा है। अब देखो स्टूडेंट अब क्या कर, देखो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होते हैं ना उनका फीस 1000-1500 के अप्रोक्सीमेट होता है, बाकी अदर आपका पैसा कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का उतना ही होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम कमेंट पे कम ध्यान देंगे स्टूडेंट, हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में सर्किट ब्रेकर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सर्किट ब्रेकर, ठीक है, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर को हिंदी में बोलते हैं परिपथ वियोजक, परिपथ, परिपथ वियोजक, परिपथ वियोजक, ठीक है, परिपथ वियोजक, समझ रहे हैं। या कभी कभी हिंदी में आपको लिख देगा सर्किट ब्रेकर, ठीक है। सर्किट ब्रेकर को याद रखिएगा, इन शॉर्ट C.B से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बार बार आपका सर्किट ब्रेकर का, ठीक है। नोट्स कब देंगे आप बुद्धा बैच में? नोट्स मिल जाएगा स्टूडेंट, एक्चुअली में स्कैन हो रहा है नोट्स, तो प्रॉपर तरीके से अभी स्कैन नहीं हो पाया, नोट्स मेरे सामने पड़ा हुआ है, आप देखेंगे कम से कम 7-8 नोट्स है, सारा पड़ा हुआ है, उसे स्कैन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब कमेंट पे कम ध्यान दिया जाएगा, अब पढ़ने पे बात करते हैं। देखिएगा अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट आपका सर्किट ब्रेकर का, ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर का पहले आप एक पिक्चर माइंड में सेट करिए कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है, फिर इसके हम लोग अंदर चलेंगे, सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं, हर एक प्रकार को बहुत अच्छे से हमें देखना होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर मैं आपको 3 डिफरेंस आपका बता दूँ, 3 चीज़ों में आपका डिफरेंस हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक तो हम लोगों ने पढ़ा होगा फ्यूज़ के बारे में, आप जानते हैं, पहला चीज़ आपने पढ़ा होगा।
नोट नहीं करना है, जो मैं बताऊंगा वही नोट करिएगा। एक आपको पढ़ना है यहाँ पे आपका सर्किट ब्रेकर, और एक हम लोग पढ़ते हैं प्रोटेक्शन में, एक हम लोग क्या पढ़ते हैं रिले, क्या पढ़ते हैं रिले। अब मेरी बातें जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे आपका मनुष्य का, जैसे हम लोगों की बात करें, जैसे ह्यूमन जो बॉडी होती है वो भी एक प्रकार का क्या है, एक मशीन होता है। अब मशीन होता है या फिर कोई सिस्टम होता है, तो जो आपका ह्यूमन बॉडी है ये भी आपका सिस्टम होता है। तो ह्यूमन बॉडी का भी तो कभी कभी तबीयत खराब होती है, बिल्कुल सर, कभी हमें सर्दी हो गया, कभी हमें बुखार हो गया, कभी हमारा हाथ कट गया, कभी हमारे शरीर के किसी भी पार्ट से ब्लड आपका आना स्टार्ट हो गया। तो जैसे आपके जो ह्यूमन बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी भी एक प्रकार का एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर भी आपका आए दिनों में कुछ न कुछ आपके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्रिएट होते रहते हैं। तो हमारे शरीर में जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, तो हमें पता है कि अगर हमारा हाथ कट गया है, हमारा हाथ ये कटा है, ये मुझे पता चल पा रहा है, हम इसे सेंस कर पा रहे हैं, हम इसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हमारे हाथ की उंगली क्या हो गई है, कट गई है, इसे आपका दवा लगा के सही करना पड़ेगा, मलहम पट्टी लगाना पड़ेगा, तब जाके सही होगा। बात समझिएगा। तो ये हमारी जो बॉडी है ना, ये बॉडी में आपका कोई ना कोई सेंसिंग डिवाइस है जो ये आपका सेंस कर रहा है कि यहां पे आग जल रही है। अगर हम हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। हमारे बॉडी में कोई ना कोई ऐसा पार्ट है जो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि हमारे हाथ की उंगलियां कट गई हैं, उससे ब्लड आ रहा है। बात समझिएगा। तो जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी के अंदर आए दिनों में आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होता रहता है, उसी प्रकार हम बात करते हैं अपने पावर सिस्टम की। हम बात किसका करते हैं, हम बात करते हैं स्टूडेंट अपने पावर सिस्टम का। पावर सिस्टम की बात करें, ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनों की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। तो ये बताइए, हमारा पावर सिस्टम हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो पावर सिस्टम में भी आप देखेंगे आए दिनों में हमारे पावर सिस्टम का भी क्या होता है, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है इसकी भी तबीयत खराब होती है, और हमारे पावर सिस्टम की जो तबीयत खराब होती है उसे हम बोलते हैं फॉल्ट। क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फॉल्ट, और हिंदी में बोलते हैं इसको दोष आपका हुआ है। क्या हुआ है, फॉल्ट हुआ है। बात समझिएगा। तो सर ये बताओ, आपने बोला ठीक है सर, हमारा अगर तबीयत खराब होगा तो हमारा माइंड एक सेंसिंग डिवाइस है, ये सेंस कर लेगा कि हमें बुखार हुआ है, हमारा हाथ कट गया है, हमें दवा करना चाहिए। बात समझिएगा। उसी प्रकार हमारे पावर सिस्टम के अंदर अगर इसकी तबीयत खराब होती है, तबीयत खराब होने का मतलब ये है कहीं दो तार आपस में टच हो जाएं, कहीं एक तार आपका ब्रेक होकर आपके ग्राउंड पे आपका गिर जाए, कहीं तीन तार आपस में टच हो जाएं, कहीं तीनों तार आपके टच होके आपका ग्राउंड से आपका अटैच हो जाएं, तो इन सब को बोला जाता है, इनमें भी कई प्रकार के बुखार होते हैं, कई प्रकार के तबीयत खराब होते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपका क्या होता है, फॉल्ट। और फॉल्ट में आप जानते हैं, या तो स्टूडेंट आपका मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा फॉल्ट होता है, एलजी फॉल्ट, जो आपका अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 85% एलजी फॉल्ट होता है, लाइन टू ग्राउंड होता है, एलएल फॉल्ट होता है, लाइन टू लाइन होता है, एलएल आपका जी फॉल्ट होता है, लाइन टू ग्राउंड होता है, और एक आपका ट्रिपल एल फॉल्ट होता है, और एक आपका फॉल्ट होता है एलएल आपका जी। तो ये हमारे पावर सिस्टम का, ये हमारे पावर सिस्टम का क्या है, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप आपके तबीयत खराब होने की पॉसिबिलिटी है। या तो लाइन टू ग्राउंड, सबसे ज्यादा इसको बुखार होता है 85%, और सबसे ज्यादा इसको हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा, ये लगभग आपका 2% या फिर 1% रेयर स्थिति है कि आपके ट्रांसमिशन लाइन में ट्रिपल एल एल जी आपका फॉल्ट हो जाए। बात समझिएगा। तो सर ये बताओ, ये बात तो समझ में आ गई कि पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन के अंदर फॉल्ट है, फॉल्ट के कई सारे आपके टाइप्स होते हैं। बात समझिएगा। तो ये जो आपका टाइप्स है, इसमें सबसे ज्यादा अगर फॉल्ट की बात किया जाए हमारे पावर सिस्टम में, ये होता है एलजी फॉल्ट, और इसको हम बोलते हैं लाइन टू आपका ग्राउंड फॉल्ट। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट मतलब एक लाइन ब्रेक होके ग्राउंड से टच हो जाएगी। बात समझिएगा। तो सर ये बताओ, ये कैसे पता चलेगा पावर सिस्टम को लाइन फॉल्ट हुआ है या कोई भी फॉल्ट हुआ है? तो इसे आपका फॉल्ट का डिटेक्शन करने के लिए, पहचान करने के लिए हमारे पावर सिस्टम के अंदर दो डिवाइसेस, प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस लगी होती हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्यूज, और एक आपका होता है रिले। तो फ्यूज आपका, अगर हमें रिले की बात करूंगा, तो रिले आपका क्या होती है, एक आपका सेंसिंग डिवाइस होता है।
ध्यान से सुनना, कोई भी चीज लिखना नहीं है, हम लोग टॉपिक सर्किट ब्रेकर है, मैं चल रहा हूं यहां पे। तो रिले आपका क्या है, एक प्रकार का सेंसिंग डिवाइस है, ये आपके सिमिलर टू माइंड होता है, ये आपके सिमिलर आपका टू ह्यूमन माइंड, जो आपका मानव का दिमाग होता है वो आपके इसके सिमिलर होता है। तो ये सेंसिंग डिवाइस होता है जो आपका क्या करता है, जो आपके पावर सिस्टम में फॉल्ट की पहचान करता है, फॉल्ट की पहचान आपका करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिले बोलते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, रिले बोलते हैं। ओके, तो रिले क्या है, रिले एक प्रकार का सेंसिंग डिवाइस है, हालांकि हमारा सिलेबस नहीं है, प्रोटेक्शन में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, ये आपको याद होगा। तो रिले एक प्रकार का सेंसिंग डिवाइस है जो पावर सिस्टम में फॉल्ट की पहचान करता है, फॉल्ट को इंटरप्ट नहीं करेगा, फॉल्ट को सेपरेट नहीं करेगा कि एक आपका हेल्दी आपका सेक्शन है या हेल्दी सर्किट है, एक फॉल्टी सर्किट है, उसे आपका सेपरेट नहीं करेगा, केवल और केवल ये बताएगा कि आपके पावर सिस्टम में क्या हुआ है, फॉल्ट हुआ है। बात समझिएगा, अब जब आपके सिस्टम में यह पता चल जाता है कि जो आपका रिले है, रिले जो है आपका, ये सेंस करेगा कि हमारे लाइन में फॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट की पहचान कौन करता है, ये रिले करता है। तो रिले क्या करता है, पहचान करके एक कमांड देता है, एक सिग्नल देता है, किसको सिग्नल देता है, सर्किट ब्रेकर को। ये जो आपका रिले है, ये आपका एक कमांड देता है, एक आपका क्या देगा, एक कमांड देगा या फिर एक आपका सिग्नल प्रोवाइड करता है, और ये जो आपका सिग्नल प्रोवाइड करता है उसे क्या बोलते हैं, सर्किट ब्रेकर। बात समझिएगा, तो सर्किट ब्रेकर एक मानव का क्या है, शरीर है, मानव का शरीर है, और मानव का जो आपका माइंड है वो है रिले। तो माइंड सेंस किया फॉल्ट हुआ है, फॉल्ट होने के बाद ये किसको इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी किसको देता है, ये देता है सर्किट ब्रेकर। और सर्किट ब्रेकर को जैसे ही पता चलेगा कि हमारे सिस्टम में रिले ने कमांड दिया, रिले ने सिग्नल दिया, रिले ने इंफॉर्मेशन दिया कि फॉल्ट हुआ है, अगर तुम फॉल्ट क्लियर नहीं करोगे तो तुम्हारे सिस्टम में जितने भी आपके कंडक्टर्स कनेक्टेड है, उस कंडक्टर से जो भी आपके डिवाइसेस कनेक्ट है, उसमें ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा या फॉल्ट करंट फ्लो करेगा, और उस फॉल्ट करंट से आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। बात समझिएगा, तो रिले ने क्या किया, सेंस किया, डिटेक्ट किया, पहचान किया, और कमांड किसको दिया, इंफॉर्मेशन किसको दिया, सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर ने क्या किया, सर्किट ब्रेकर ने इंफॉर्मेशन लेके सर्किट को ब्रेक कर दिया। सर्किट ब्रेकर का मतलब सिंपल सी बात है, सर्किट को तोड़ दिया, ये आपका सर्किट को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब है एक हेल्दी पार्ट होगा, मतलब जिसमें फॉल्ट नहीं है, एक फॉल्टी पार्ट होगा जिसमें फॉल्ट है, उन दोनों को सेपरेट कर दिया, वही आपका क्या कहलाता है, सर्किट ब्रेकर कहलाता है। क्या ये मेरी बातें समझ पा रहे हैं, तो रिले सेंसिंग डिवाइस है, ओके, और रिले सेंसिंग डिवाइस है, सेंस करके इंफॉर्मेशन किसको देता है, सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, हेल्दी पार्ट को एक साइड कर देगा और आपका फॉल्टी पार्ट को एक साइड कर देगा। इसीलिए सर्किट ब्रेकर को हम लोग बोलते हैं, यह एक प्रकार का मैकेनिकल स्विच है। क्या है, मैकेनिकल स्विच है, जो हमारे लाइन के किसमें जुड़ा रहता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, किसमें कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। चलो सर, बहुत बढ़िया, इतनी बातें एक माइंड में पिक्चर क्लियर हुआ हमारे, ठीक है, इतनी तुम बातें बता दिया सर, क्या बता दिया कि सर्किट ब्रेकर एक मैकेनिकल स्विच है, बहुत बढ़िया सर। सर्किट ब्रेकर को कैसे पता चलता है कि हमें ऑपरेट होना है, तो सर वो जानकारी देता है रिले। सर रिले क्या करता है, सर रिले करता है फॉल्ट को पहचान करता है, फॉल्ट की पहचान करता है। हमारे लाइन में सबसे ज्यादा फॉल्ट कौन होती है, सर लाइन टू ग्राउंड होती है। सर हमारे लाइन में सबसे कम फॉल्ट कौन होती है, एल 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 जी फॉल्ट होती है, लेकिन अगर ये फॉल्ट हो गया ना तो सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो करेगा। किस फॉल्ट में सबसे ज्यादा करंट फ्लो करता है, उसे हम बोलते हैं एल 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 फॉल्ट, ट्रिपल एल फॉल्ट। अगर ये हुआ ना, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, आपका शट डाउन हो जाएगा। बहुत करोड़ों अरबों खरबों का मैं बात करूंगा, करोड़ों की बात ही छोड़ दो, करोड़ों नहीं खरबों की पैसा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, पूरे आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। बात समझिएगा, ठीक है। चलो अब सर फ्यूज क्या होता है, एक चीज तो तुमने बताया नहीं सर। तो देखो, अगर मैं आपसे बात करूंगा, ध्यान से सुनना,
अगर मैं आपसे बात करूंगा फ्यूज, तो फ्यूज के बारे में दो चीज लिखना। क्या फ्यूज के बारे में, ये क्या करता है, ये क्या करता है, सेंस सेंस, ये सेंसिंग सेंसिंग एंड आपका इंटरप्टिंग इंटरप्टिंग, सेंसिंग एंड आपका इंटरप्टिंग आपका क्या है, ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। सेंसिंग एंड इंटरप्टिंग क्या है, प्रोटेक्टिंग आपका डिवाइस है। ओके सर, फ्यूज क्या है, सॉरी सर्किट ब्रेकर क्या है, देखो ध्यान से, सर्किट ब्रेकर क्या है सर, सर्किट ब्रेकर ओनली इंटरप्टिंग आपका, ओनली इंटरप्टिंग इंटरप्टिंग, ओनली इंटरप्टिंग आपका क्या है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है ये आपका, ओनली इंटरप्टिंग मैकेनिकल आप स्विच भी बोल सकते हो। और सर रिले क्या है, ये भी आपका रिले अगर बात किया जाए तो ये आपका ओनली आपका क्या है, सेंसिंग डिवाइस है, ओनली आपका क्या है, सेंसिंग डिवाइस है, और ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस ऐसे लिख लो सेंसिंग डिवाइस। समझ में आ रहा, बात समझिएगा, बोलिए। तो फ्यूज क्या करता है, देखो फ्यूज ना जो घर में हम लगाते हैं किटकैट फ्यूज, तो फ्यूज फॉल्ट को सेंस भी करेगा, अरे फॉल्ट की पहचान भी करता है ना, फॉल्ट की पहचान भी करेगा, फॉल्ट हुआ है और फॉल्ट की पहचान करके अपने आप को बलिदान दे देता है। तो शतरंज तुमने खेला देखा होगा या खेला भी होगा, शतरंज में जो सैनिक होता है ना, सैनिक कौन होता है, सैनिक, ये देखते हो राजा का, प्रजा का, वजीर का, राजा का, हाथी का, घोड़ा का, सबकी रक्षा करता है। और इसी को हम आगे लगा के रखते हैं, मरेगा पहले कौन, फ्यूज। तो फ्यूज एक ऐसा प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है जो अपने आप को बलिदान दे देता है कि ले जाओ, हम अपने आप को बलिदान देके हम अपनी राजा का, अपनी प्रजा का रक्षा हम करेंगे, उसे ही बोला जाता है फ्यूज। ओके तो फ्यूज एक सेंसिंग एंड इंटरप्टिंग मतलब तोड़ना, इंटरप्टिंग मतलब तोड़ना, ये सर्किट को तोड़ता भी है, सेंस भी करता है। लेकिन सर्किट ब्रेकर आपका सर्किट में फॉल्ट को सेंस नहीं करता है, केवल इंटरप्ट करता है। और रिले इंटरप्शन का कार्य नहीं करता है, ये केवल क्या करता है, सेंस करता है। तो क्या तीनों में डिफरेंस पता चल गया, बोलो तीनों में डिफरेंस पता चल गया, आगे बढ़ सकते हैं। सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर देंगे, स्टूडेंट सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर देंगे, और कल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग मैराथन क्लासेस लेंगे। ओके चलिए, सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बताइए, कंफर्म करिए, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, हाँ बिल्कुल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट, आपका फ्यूज आपका एक प्रकार का। बोलो क्या इन तीनों में डिफरेंसेस पता चला, आगे स्टार्ट कर सकते हैं। सर सुरजीत सुरजीत रावत बोल रहे हैं, सर सर्किट ब्रेकर के क्वेश्चन कराएं प्लीज, सर्किट ब्रेकर के क्वेश्चन बेटा मैं कराऊंगा, अभी नहीं, अभी देखो तुम्हारा एग्जाम मई या जून में दिया है ना, मई अब्लिक जून, ओके तो तुम्हारे पास मार्च अप्रैल मई मई और जून मान लो लास्ट में, कब आपका लास्ट में, तो मान के चलो तुम्हारा जो पेपर होगा स्टूडेंट वो कब होगा, जून के लास्ट में। अब तुम कहोगे सर इतना क्लियर क्यों बोल रहे हो आप, मैं क्लियर इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि मई में लोकसभा चुनाव आपका हो रहा है, बात समझना, तो इस मंथ में पेपर कराना पॉसिबल नहीं है, समझना, तो पेपर तुम्हारा कहां जाएगा, इसीलिए उन्होंने मेंशन किया है मई ऑब्लिक जून, तो पेपर तुम्हारा जाएगा जून में। अब बताओ पहले थियरी कंप्लीट कर लेना, एक महीना जब रहेगा लास्ट में उस समय तुमको दौड़ा के हम लोग क्या करा देंगे, ऑब्जेक्टिव करा देंगे, अभी तुम थियरी पढ़ लो ठीक है। चलो इसकी रेटिंग क्या होती है, हाँ इनको रेटिंग भी बता दो, एमबीए में होती है मेरे भाई, ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर, एमबीए मेगा बोल्ट एम्पियर। ओके समझ में आ रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं सर्किट ब्रेकर। तो अभी हिंदी में लिखना नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं स्टूडेंट हिंदी में, सर अबे हिंदी में नहीं लिखना मेरे भाई ठीक है, अभी तुम बस इतना जानो कि फ्यूज सर्किट ब्रेकर और रिले में क्या अंतर था, ठीक है, फ्यूज सर्किट ब्रेकर और रिले में क्या अंतर था, या लिख लो नोट में लिख लो, चलो नोट में या ऐसे लिख लो, पहला लिख लो यहां पे, लिखो यहां पे मैं लिख ही देता हूं आपके लिए, आप भी नोट कर लो, चलो हो सकता है पूछ लिया जाए, लिखिए फ्यूज, फ्यूज एक प्रकार का लिख लीजिए इसी में, फ्यूज एक प्रकार का सेंसिंग सेंसिंग तथा तथा इंटरप्टिंग
सेंसिंग तथा इंटरप्टिंग डिवाइस या प्रोटेक्टिंग डिवाइस, कामा दे देना, प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिंग डिवाइस, प्रोटेक्टिंग डिवाइस मतलब रक्षण युक्ति होता है, ओके होता है। फ्यूज एक प्रकार का सेंसिंग तथा प्रोटेक्टिंग, सेंसिंग तथा इंटरप्टिंग प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है। याद रखना, एक बात और याद रखना, छोटा सा बात याद रखना, फ्यूज को हमेशा, फ्यूज को हमेशा हमेशा फेज वायर के, फेज वायर के सीरीज में, फेज वायर के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। अगर डीसी सप्लाई है तो तुम पॉजिटिव नेगेटिव किसी में भी तुम कनेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात याद रखना, फ्यूज 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 शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट तथा ओवरलोड से, शॉर्ट सर्किट तथा ओवरलोड दोनों से, शॉर्ट सर्किट तथा ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पे, लेकिन सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का, सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का, एक प्रकार का इंटरप्टिंग, इंटरप्टिंग मतलब तोड़ना, लिख लेना तुम हिंदी में, सर्किट एक ब्रेकर एक प्रकार का इंटरप्टिंग डिवाइस होता है, इंटरप्टिंग डिवाइस होता है, ओके एक प्रकार का इंटरप्टिंग डिवाइस होता है। रिले लिख लो, रिले एक प्रकार का, रिले रिले एक प्रकार का, एक प्रकार का सेंसिंग डिवाइस होता है, कौन सा डिवाइस बेटा, सेंसिंग डिवाइस होता है, ठीक है। और रिले किसको कमांड देता है, किसको इंफॉर्मेशन देता है, सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर बिना रिले के कोई काम का नहीं है, समझ में आ रहा है ना। ओके बुद्धा बैच लिए हैं टेस्ट सीरीज में, अभी आज बनवाऊंगा, स्टूडेंट हो जाएगा। देखो तुम लोग परेशान ना रहो अभी किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए परेशान ना रहो, ठीक है। ये नोट कर लो यार, अभी इतनी बातें नोट करो, हो सकता है एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहां से आ जाए, ठीक है। रिले क्या है, रिले एक प्रकार का सेंसिंग डिवाइस है, ठीक है। ओके हम रिले तो नहीं पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि रिले में आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो जो सिलेबस में है पहले उसे कवर कर लिया जाएगा, वो ज्यादा बेटर है। हो गया, कंफर्म करो, फिर मैं आपको बता चलता हूं कहां पे। सर हम आपका कोर्स लिए हैं कल, उसे कंप्लीट हो जाएगा ना, बिजली बिहार बिजली विभाग, बिल्कुल गोलू कुमार निश्चिंत रहिए, मैक्सिमम चीजें कवर हो गया होगा उसमें, जो आपका टॉपिक बचा है उसे कवर किया जा रहा है। चलिए सभी लोग थंबनेल में बताइए कंप्लीट हो गया, यहां तक नोट कर लिया। फ्यूज एक प्रकार का सेंसिंग एंड इंटरप्टिंग प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है, फ्यूज को हमेशा फेज वायर के सीरीज में जोड़ा जाता है, फ्यूज शॉर्ट सर्किट तथा ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रदान करता है, सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का इंटरप्टिंग डिवाइस होती है, रिले एक प्रकार का सेंसिंग डिवाइस होता है। आई थिंक हो गया होगा। चलो नेक्स्ट, अब बात करेंगे केवल और केवल बेटा सर्किट ब्रेकर पर, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं सर्किट ब्रेकर पर, देखिएगा सबसे पहले यहां पे बात करेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर, या तुम प्रिंसिपल ना लिखो, तुम ऐसे लिखो, चलो ऐसे ही लिख लो, ठीक है, सॉरी ऐसे लिखो, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सर्किट ब्रेकर, ठीक है, सर्किट ब्रेकर। देखो ध्यान से मेरी बातें सुनते रहना, ठीक है, एक एक चीज आप ध्यान से सुनते रहेंगे, एक एक चीज आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनते रहिएगा, ओके सर। ओके ये मेरे साथ फिगर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये मेरे साथ आपको फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, तो पहले मुझे फिगर बना लेने दो,
ठीक है, उसके बाद मैं सारी चीजों को तुम्हें डिफाइन करूंगा, ठीक है, कौन सा चीज मैंने क्या तुम्हारे लिए बनाया है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, ओके पहले ये मेरे साथ तुम फिगर बनाना अच्छे से, उसके बाद एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर कर लेंगे, करेक्ट सर। ओके ओ चलो ऐसे ही सही है, ठीक है, ओके ओके ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बनाते रहना मेरे भाई बंधु सखा, ठीक है, चलो ओके बहुत बढ़िया सर, ठीक है, नेक्स्ट। इसको तुम ज्यादा यहां मत बनाना, ठीक है, ओके। नेमिंग करते हैं स्टूडेंट, नेमिंग करते हैं तो ध्यान से समझना, ठीक है, नेमिंग करते हैं। ये जो तुमको दिखाया गया ना, ये है तुम्हारा सर्किट ब्रेकर। ये क्या है? सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में देखो, ये जो आपका सेक्शन दिखाया गया ना, ये जो आपके डॉटेड दिखाया गया है, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको बोला जाता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ओके। ये आपका होता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। बहुत बढ़िया सर, ये जो आपने दिखाया, ये आपका जो वर्टिकल सेक्शन मैंने दिखाया, इसे बोलते हैं आपका मूविंग कॉन्टैक्ट। क्या होता है ये? मूविंग कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट को इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है, या मूविंग इलेक्ट्रोड। इसको तुम लिख लेना मूविंग इलेक्ट्रोड, मूविंग इलेक्ट्रोड, ये तुम्हारा होता है मूविंग इलेक्ट्रोड। और ये तुम्हारा क्या होता है? फिक्स्ड कॉन्टैक्ट को तुम लिख लेना फिक्स्ड इलेक्ट्रोड, ये आपका फिक्स्ड इलेक्ट्रोड। तो सर्किट ब्रेकर में कितने कॉन्टैक्ट होते हैं? दो, एक तो तुम्हारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है और एक तुम्हारा क्या होता है? मूविंग कॉन्टैक्ट। मूविंग कॉन्टैक्ट जो मूव कर सकता है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट जो आपका स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा, अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, ठीक है। फिक्स्ड कॉन्टैक्ट को तुम फिक्स्ड इलेक्ट्रोड बोलो, मूविंग कॉन्टैक्ट को मूविंग इलेक्ट्रोड। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, अब इधर आ जाओ। ये तुम्हारा प्लस माइनस, ये आपका, ये है तुम्हारा बैटरी। ये क्या है? बैटरी। और बैटरी का जो आउटपुट होता है, बैटरी का आउटपुट जो होता है बेटा, ये होता है डीसी आपका सप्लाई। मतलब डीसी, आप यूं बोलो, ये है तुम्हारा डीसी। क्या है? डीसी, समझ रहे हैं ना?
क्या है? डीसी, करेक्ट। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ये क्या है सर? ये है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका है, ये है आपका ट्रिप क्वायल, इसको बोलते हैं ट्रिप क्वायल। ये आपका है ट्रिप क्वायल, ट्रिप क्वायल ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर का ट्रिप क्वायल है। बहुत बढ़िया सर। और ये पूरा क्या है सर? ये वाला क्या है? ये है आपका ट्रिप कॉन्टैक्ट, इसे बोलते हैं ट्रिप कॉन्टैक्ट। ओके, ये है आपका ट्रिप, ट्रिप कॉन्टैक्ट, ट्रिप कॉन्टैक्ट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ये क्या है? इसे बोलते हैं रिले ऑपरेटिंग क्वायल, या रिले क्वायल बोलो, या रिले ऑपरेटिंग क्वायल, रिले ऑपरेटिंग क्वायल। सर ये क्या है? सर ये है आपका सीटी, करंट ट्रांसफॉर्मर, ये है सीटी। ओके, और ये है तुम्हारा, इसका पूरा नाम याद होगा आपको, मेजरमेंट में पढ़ा रखा है, करंट ट्रांसफॉर्मर। ओके, करंट ट्रांसफॉर्मर। सर ये आपने जो व्हाइट कलर से दिखाया, ये क्या है? तो स्टूडेंट ये है हमारा पावर सिस्टम की कोई एक लाइन है ये। ओके, बोलो कंप्लीट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, नोट कर लो, ठीक है, नोट करिए। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर देंगे स्टूडेंट फटाफट। सर्किट ब्रेकर का इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आता है सर। गुरुजी आप मुझे मत बताएं कहां से क्वेश्चन आता है, बस आप ये पढ़ें और फिर गुरुजी बताइएगा कि सर क्वेश्चन नहीं लग रहा है, तब मेरी गलती है, समझ रहे हैं ना, तब मेरी गलती है। पहले पढ़ो तो कहां से क्वेश्चन आता है, मैं बताता हूं तुमको, पहले पढ़ो, हर एक क्वेश्चन तुम कर ले जाओगे, उसका चिंता मुझे, मेरे पे छोड़ दो। तुम्हारा काम है पढ़ना, मेरा काम है क्वेश्चन को लड़ाना, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां से, ठीक है। चलो ओके, कंफर्म करिए, ये फिगर आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये सारे लोग फिगर ड्रॉ कर लीजिए प्लीज, और अगर हो जाए तो मुझे एक बार कंफर्म करके बता दीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ ये क्या क्या चीजें मैंने यहाँ पे बनाया, इनका क्या क्या फंक्शंस होते हैं और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट यूट्यूब पर फ्री तो है, ये फ्री ही तो पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ, बस आपका काम है वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, ठीक है। जितने भी आपका एक्स्ट्रा जो टॉपिक दिया ना, जैसे एसी डीसी ड्राइव दिया है, अभी देखो डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग शाम को हम लोग कवर करते हैं, जैसे कंप्लीट हो जाएगा मैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पढ़ाऊंगा, ट्रांसफार्मर की 10 वाइंडिंग आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एसी ऑब्लिक डीसी ड्राइव पढ़ेंगे सर। तो एक्स्ट्रा जितना भी टॉपिक है बेटा मैं यही करा दूंगा तुमको, तुम बिल्कुल ना घबराना, ठीक है। और बाकी तुमको पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो बुद्धा बैच को तुम अभी 1000 रुपए में मिल रहा है, ऑफर चल रहा है, तुम वहां परचेज करके अपना एंजॉय कर सकते हो। हो गया, हो गया सर। चलिए चले आगे, अरे जल्दी से तुम लोग बताओ, कंफर्म करिए। डन करिए, डन हो गया, यस सर। और लोग बताएं स्टूडेंट, और लोग बताएं, और सभी लोग बताएं, हो गया, इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए।
हो गया सर, हो गया सर, बहुत बढ़िया, हो गया। ठीक है, चलिए आप मेरी बातें के बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आप कलम को होल्ड कर दीजिए, ये सारी बातें आप जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये हमारी लाइन है, ये जो आपका व्हाइट कलर से मैं दिखा रहा हूं, ये हमारी लाइन है जिसे हमें प्रोटेक्शन प्रदान करना है कि अगर कभी इस हमारे लाइन में कभी भी फॉल्ट हुआ तो उस फॉल्ट से हमारे लाइन को क्या करना है, या लाइन से जितने भी चीजें आपका कनेक्ट होगा उसे हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन प्रदान करना है। बात समझिएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया स्टूडेंट, ये जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है इसके सीरीज में हमने एक कनेक्ट कर दिया सर्किट ब्रेकर, और ये सर्किट ब्रेकर का चेंबर है, ये जो मैंने आपको ये रेक्टेंगुलर दिखाया है ये चेंबर बोला जाता है, ये आपका चेंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर। ये जो आपका सर्किट ब्रेकर का चेंबर है इसमें क्या होते हैं, इसमें दो चीजें पाए जाते हैं, एक तो आपके कॉन्टैक्ट, एक तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट या आप बोलो इलेक्ट्रोड, ये आपका चेंबर में दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रोड प्लस आपका इंसुलेटिंग मीडियम। क्या होता है, इंसुलेटिंग आपका मीडियम। अब तुम सोचोगे इंसुलेटिंग मीडियम सर क्यों यूज किया जाता है, तो वो बात की बात है। इंसुलेटिंग मीडियम में बेटा जैसे तुमने एयर यूज कर लिया इस चेंबर में एयर हो जाएगा, या तुमने ब्लास्ट एयर यूज कर लिया, ध्यान से सुनना मेरी बातें, लिखना मत, ब्लास्ट एयर यूज कर लिया, या तो तुमने ऑयल यूज कर लिया, या तो SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस यूज कर लिया, या तो तुमने इंसुलेटिंग मीडियम के रूप में वैक्यूम यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, वैक्यूम यूज कर लिया। तो सुनना मेरी बातें जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, कलम को रोक दीजिएगा, मैंने क्या बोला, ये लाइन है जिसे हमें प्रोटेक्शन प्रदान करना है, और इस लाइन में अगर इस लाइन से कोई भी चीजें कनेक्टेड है इन केस अगर कभी फॉल्ट हुआ तो उस फॉल्ट से हमें उन चीजों को बचाना है, करेक्ट। उसके लिए मैंने इस लाइन के सीरीज में क्या लगा दिया, सर्किट ब्रेकर लगा दिया। सर्किट ब्रेकर को एक चेंबर में हमने क्या किया, पैक कर दिया। इस चेंबर में दो चीजें आपका इंसर्ट होती हैं, एक तो इस चेंबर में देखोगे बेटा एक तो फिक्स्ड कांटेक्ट होगा और एक आपका क्या होगा, मूविंग कांटेक्ट। तो यही बात याद रखना, सर्किट ब्रेकर में कितने कांटेक्ट होते हैं, दो, नाम याद रहेगा, एक फिक्स और एक मूविंग कांटेक्ट। दूसरी बात, सर्किट ब्रेकर किसमें जोड़ा जा रहा है, सीरीज में। तीस दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट। अब दूसरी बात, सर्किट ब्रेकर का जो चेंबर होता है उसमें क्या क्या होते हैं, ये चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, जो भी होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रोड प्लस आपका इंसुलेटिंग मीडियम। अब यहां ध्यान देना, ये जो इंसुलेटिंग मीडियम है इस चेंबर के अंदर, अगर तुमने इंसुलेटिंग मीडियम के रूप में एयर यूज कर लिया तो इस सर्किट ब्रेकर का नाम होगा एयर, आपका ब्रेक सर्किट ब्रेकर। ओके, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। ओके सर, अगर इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में या इंसुलेटिंग मीडियम के रूप में तुमने एयर ब्लास्ट एयर यूज कर लिया तो बोला जाएगा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ओके, अगर इंसुलेटिंग मीडियम के रूप में तुमने ऑयल यूज कर लिया तो बोला जाएगा ऑयल सर्किट ब्रेकर। ओके, अगर इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में SF6 गैस यूज कर लिया तो बोला जाएगा ये SF6 आपका क्या है, सर्किट ब्रेकर। तो सर सर्किट ब्रेकर का क्लासिफिकेशन किसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू इंसुलेटिंग मीडियम यूज्ड। जैसे अगर मैंने आपसे बोला एयर आपका एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर है, एयर ब्रेक आपका सर्किट ब्रेकर है, तो बताइए इस एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में जो इंसुलेटिंग मीडियम है वो क्या है, एयर है। मैंने बोला वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है तो बताओ इंसुलेटिंग मीडियम क्या है, वैक्यूम है। मैंने बोला ऑयल सर्किट ब्रेकर है तो सर इंसुलेटिंग मीडियम क्या है, ऑयल है। तो इनका नाम अकॉर्डिंग टू इंसुलेटिंग मीडियम यूज्ड के बिहाफ पे रखा गया है। समझ गया, आ गया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, आगे बात करते हैं, सर्किट ब्रेकर का इलेक्ट्रिक किस मटेरियल का बना होता है, इलेक्ट्रिक क्या है, अबे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। ओके, टंगस्टन का, आप बोलो कॉपर टंगस्टन का बना होता है या सिल्वर का बने होते हैं, लिखवाऊंगा अभी, ठीक है, इलेक्ट्रोड होता है, बहुत बढ़िया। तो ये बातें समझ गए, ठीक है, ओके, आ जाओ इधर, आ जाओ, आगे बढ़ते गए। ये तुम्हारा क्या लगा है, सीटी लगा है। सर यहां पे सीटी क्यों लगाया मेरे भाई, इस लाइन में बहुत ज्यादा करेंट है, मान लो इस लाइन में 400 एम्पियर की करंट जा रही है, कितना 400, तो यहां सीटी लगा देंगे 400 आब्लिक आपका 4 एम्पियर, मतलब सीटी की प्राइमरी करंट कितनी है सर, 400 एम्पियर है। सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट कितना है सर, ये आपका 4 एम्पियर है।
बात समझ। तो प्राइमरी वाइंडिंग कौन होगा सर? लाइन ही सीटी का, प्राइमरी मतलब लाइन ही, तो लाइन में कितना चाहिए? 400 एम्पियर जब नॉर्मल कंडीशन है, बात समझना। और 400 को किसमें कन्वर्ट कर रहा है सर? 4 एम्पियर, तो बताना इसमें कितना एम्पियर करंट जाएगा सर? यहां जाएगा 4 एम्पियर की करंट, कितना एम्पियर? 4। तो देखो सीटी की प्राइमरी में कितना, यहां से कितनी करंट जा रही है? 400 एम्पियर जा रही है जब तुम्हारा लाइन क्या है? हेल्दी है, फॉल्टी नहीं है। बहुत बढ़िया सर। लेकिन जब ये हेल्दी है तो 400 एम्पियर की करंट लाइन में जा रही है, तो सीटी के सेकेंडरी में कितना जाएगा? बेटा वो डिपेंड करेगा सीटी रेशियो पर। ये आपका सीटी रेशियो है, सीटी रेशियो बताओ कितना हो गया सर? 400/4 मतलब कितना? 100। कितना? 100। तो 100 गुना करंट कम हो जाएगा, 100 गुना करंट सेकेंडरी में कम हो जाएगा, 400 का 100 से भाग दोगे तो 4 एम्पियर आएगा, 4 एम्पियर की करंट इसमें गई। बहुत बढ़िया, आगे बात करो। ये सीटी की सेकेंडरी से क्या जुड़ी रहती है सर? रिले की ऑपरेटिंग कॉइल। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिले की ऑपरेटिंग कॉइल से ये क्या जुड़ा है? प्लंजर, इसको बोलते हैं प्लंजर। ये तुम्हारा क्या है? ये देखो, ये वर्टिकल सेक्शन कहलाता है आयरन प्लंजर। ये लिख लेना, आयरन प्लंजर, आयरन आपका प्लंजर। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये आपका रिले की कॉइल है, इससे आयरन प्लंजर है, ये ट्रिप सर्किट है। और दूसरी बात, ट्रिप जो सर्किट होती है, ध्यान से सुनना, ये जो ट्रिप सर्किट होता है जिसमें ट्रिप कॉइल और ट्रिप कॉन्टेक्ट बैटरी लगे होते हैं, तो बताना ये आपका ट्रिप सर्किट को सप्लाई किससे मिलती है? ऑब्जेक्टिव में भर भर के पूछेगा, तो याद रखना ओनली डीसी सप्लाई। याद रखिएगा, ट्रिप सर्किट देता है डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई, एसी या डीसी सप्लाई, याद रखना है। समझे कि नहीं? बोलो, समझ में आ गया? तो ये आपका ट्रिप सर्किट आपका किससे इनर्जाइज होती है? डीसी सप्लाई से। एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये आपका ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट, अब ट्रिप सर्किट से क्या जुड़ा? ट्रिप कॉइल। ट्रिप कॉइल का एक प्लंजर होगा, और इसी प्लंजर से क्या कनेक्ट है? मूविंग आपका कॉन्टेक्ट। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। बोलो एक बार थंबनेल दिखाओ कि हां सर, अब मुझे समझ में आया कि आपका ये सर्किट ब्रेकर है। आपका सर्किट ब्रेकर का नेमिंग कैसे किया गया? लाइन है, सीटी क्या है, सीटी से क्या कनेक्ट है? रिले की कॉइल। रिले की कॉइल से क्या करंट है? प्लंजर। ये आपका बैटरी, ये आपका ट्रिप कॉइल। सर बैटरी, ट्रिप कॉइल को कौन सी सप्लाई देना होता है? डीसी सप्लाई। इसीलिए सब स्टेशन पे बैटरी रखी जाती है, लेड एसिड बैटरी। कौन सा बेटा? ये बैटरी जो है तुम्हारा, ये आपका लेड एसिड बैटरी। तो इसी सब स्टेशन पे देखोगे सर्किट ब्रेकर के ट्रिप कॉइल को प्रचालित करने के लिए हम लोग क्या रखते हैं? बैटरी। बोलो कंफर्म करो, कंफर्म करो सर। एक एक बात सर समझ में आ रहा है मेरा? एक एक बात समझ में आ रहा है सर? सर मैं बिहार से हूं, सर मैं बिहार से हूं। अच्छा, मैं बिहार से हूं सर, ऐप आप पर ही ट्रस्ट है, पहली बार आपके बारे में जाना है। चलिए, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिलीव करिए, एप्लीकेशन पे आप अगर पढ़ते होंगे तो आप मशीन का कंटेंट आप देखे होंगे, किस तरह से मैंने मशीन वहां पे करा रखा है, समझिएगा। ठीक है, आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ सर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कितना बेहतरीन पढ़ाया, सिंक्रोनस कितना बेहतरीन पढ़ाया सर, आज तक नहीं पढ़ा था। ओके सर, बहुत बढ़िया, यहां तक हो गया। सर मेरी गर्लफ्रेंड, जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड, बहुत बढ़िया। वी साथ में क्लास देख रही है आपकी, बहुत बढ़िया। चलिए, चाचा पापा मम्मी दादा दादा नानी नाना सबको बोल दीजिए क्लास देखें, वो भी तो सोचे मेरा बेटा पढ़ रहा है। बहुत हो गया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां तक कंफर्म है। अब देखो, अब ये सब कुछ ठीक चल रहा था सर, मजा आ रहा था, ये बढ़िया से अपना लाइन एंजॉय कर रहा था, लेकिन गलती से, किसे गलती से, अरे गलती से नहीं, गलती से क्या हुआ? इस लाइन में फॉल्ट आ गया। ध्यान से सुनना बेटा, इस लाइन में फॉल्ट आ गया। ये देखो, फॉल्ट आ गया गलती से, हवा का झोंका चला, या तुम नाराज हुए, मार दिए डंडा, तार टूट गया तुम्हारा गलती से। तो गलती से क्या हुआ? ये बेटा फॉल्ट आ गया। क्या गया? फॉल्ट। अब सोचो, जैसे ही लाइन में फॉल्ट आया, तब तो भैया फॉल्ट होने का मतलब है लाइन को, जो करंट है लाइन का, उसका फॉल्ट होने का मतलब है उस सर्किट का इंपीडेंस कम होना,
और उस सर्किट का जब इंपीडेंस कम होगा तो मेरे भाई अभी जो 400 एम्पियर की करंट जा रही थी, अब मान लो ये 400 एम्पियर की करंट नहीं है, अब ये जो आपका लाइन की करंट बढ़कर मान लो हो गई 1000 एम्पियर। कितना? 1000 एम्पियर ड्यू टू फॉल्ट। किसकी वजह से? ध्यान से समझना, ड्यू टू फॉल्ट की वजह से। तो मेरे भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मजा आ रहा था, ओके? लेकिन गलती से फॉल्ट हुआ, फॉल्ट की वजह से लाइन का करंट 400 एम्पियर ना हो कि कितना हो गया, 1000 हो गया। अब खुद सोचो, अगर तुम्हारा लाइन में 1000 आपका करंट आएगा तो सीटी की सेकेंडरी कितना हो गया? सर ये जो 4 एम्पियर है ना, इसे 100 से डिवाइड करो, और रेशियो है तो 100 से डिवाइड करोगे तो कितना एम्पियर करंट फ्लो किया? 10 एम्पियर, ड्यू टू आपका फॉल्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं? ड्यू टू फॉल्ट, ओके? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर ये समझ में आ गया, आपने बोला सर 1000 होगा, 1000 का अगर 100 आपका टाइम्स निकालोगे 1/100, तो सीटी की सेकेंडरी पहले कितनी करंट थी? 4 एम्पियर। जब 4 एम्पियर का करंट था तो ये कांटेक्ट इससे जुड़ा नहीं था, ये आपका प्लंजर ऊपर नहीं खींचा था, तो उस समय सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जैसे ही फॉल्ट हुआ तो तुरंत ये 4 एम्पियर की करंट कितना हो गई? 10। अब सुनना होगा क्या, जैसे ही आपका इस क्वायल में, बेटा ध्यान से सुनना, जैसे ही इस क्वायल में 4 एम्पियर से ज्यादा करंट हुआ तो तुरंत ये क्वायल में आपका इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, करंट जाएगी, करंट गया, एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बना। सुनना ध्यान से, एक आपका बना स्ट्रांग मैग्नेटिक आपका फील्ड, और इसी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से ये जो प्लंजर होगा इसको फटाक से आगे खींचेगा, तो बताना ये कांटेक्ट तुम्हारा यहां पर जुड़ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? सर 4 एम्पियर था तो क्यों नहीं जुड़ रहा था? सर 4 एम्पियर हमने ऐसा सेट किया था कि 4 एम्पियर पे ये क्वाइल जो फ्लक्स बनाए वो इतना ज्यादा ना हो, नहीं तो प्लंजर को हेल्दी कंडीशन में भी खींच लेगा। अरे ऐसा नहीं कराना है, 4 एम्पियर से ज्यादा पिकअप वैल्यू, इसको बोलते हैं पिकअप वैल्यू, पिकअप वैल्यू कितना? 4। जैसे ही 4 से ज्यादा हुआ तुरंत ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाया और तुरंत ये प्लंजर को खींचा। अब बताना जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हुआ, बेटा ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है, तुरंत इसके अंदर एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, आईडीसी। कौन सी करंट? आईडीसी। बोलो आईडीसी, ठीक है? अब जैसे ही आईडीसी करंट फ्लो करना स्टार्ट करी, ठीक सर, ये प्लंजर खींचा, ये रिले कॉइल ऑपरेट हुआ, इसको खींचा और ये आपका डीसी करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी, तो ये बताइए डीसी करंट जाएगी तो सर ये भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। हाँ सर ये तो बात सही है, तो ये भी एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो ट्रिप सर्किट इनर्जाइज हुआ, और जब ट्रिप सर्किट इनर्जाइज हुआ तो ये आयरन के टुकड़े को अपनी ओर सटाक से खींचेगा ऊपर की तरफ। ये आपका आयरन है, ये चुंबकीय आपका क्षेत्र बन गया, आयरन के पीस को मैग्नेट बन जाएगा, तुरंत ये खींचेगा। तो बताना जरा ध्यान से, ये जो तुम्हारा होगा, ये आपका जो प्लंजर होगा ऊपर की तरफ खींचेगा, तो स्टूडेंट हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ध्यान से सुनना, ये कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट है, और ये आपका चेंबर था, ये प्लंजर देखो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये क्या है? मूविंग कांटेक्ट है। क्या है? मूविंग कांटेक्ट। अब बताना मूविंग कांटेक्ट जैसे ही ऊपर शिफ्ट हुआ तो यहां पर एक बन गया आर्क। क्या बन गया? आर्क, इसे बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। क्यों आएगा? वो बात की बात है। क्यों आएगा? वो बात की बात है। बोलो यहां तक बातें समझ में आ गया? ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या कर लें, आई थिंक अब आपको इसका प्रिंसिपल समझ में आ रहा होगा। हाँ सर अब मजा आ गया, ठीक है, सुनना फिर एक बार। देखो जब सब कुछ नॉर्मल था, एक मिनट में सुन लेना, जब सब कुछ नॉर्मल था तो लाइन में कितनी एम्पियर जा रही थी? 400 एम्पियर। ये रिले की सेकेंडरी में 4 एम्पियर, 4 एम्पियर पे ये कॉइल मैग्नेटाइज नहीं हुआ था बहुत ज्यादा, ये ट्रिप सर्किट ओपन था, और ये भी प्लंजर आपका मूविंग कांटेक्ट, फिक्स कांटेक्ट क्या थे? क्लोज थे। क्या थे? क्लोज थे। जब हेल्दी था,
दोनों आपस में जुड़े थे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। लेकिन जैसे ही फॉल्ट हुआ, किससे? गलती से फॉल्ट हुआ। फॉल्ट के बाद करंट बढ़ा 400 एम्पीयर के बजाय कितना, 1000। जैसे 1000 आया तो सर सेकेंडरी में कितना जाएगा सिटी के? सर 10 एम्पीयर। 10 एम्पीयर क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाया, फटाक से कॉन्टैक्ट क्लोज किया, तुरंत ये मैग्नेटाइज हुआ, इसको ऊपर खींचा और फिक्स कॉन्टैक्ट से जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ऊपर की तरफ गया और इनके बीच लग गया आर्क। क्या लग गया? ये लग गया आर्क। ये मैंने दिखा दिया, ये दिखा दिया। ओके, समझ में आ गया कि नहीं? बोलिए यहां तक, यहां तक बोलो। क्या यहां तक बातें क्लियर हुआ? एक बार कंफर्म कर लो कि हां सर, अब मुझे समझ में आ गया कैसे इसका ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल दीपक भाई, बिल्कुल दीपक भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ने इलेक्ट्रिक स्ट्रेस बोलेंगे, उसको क्लियर करूंगा मैं। आर्क प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ड्यू टू फील्ड इमिशन, ड्यू टू थर्मल इमिशन, उसका देखा जाएगा अभी हम लोग। ठीक है, ओके। हाँ डीसी सप्लाई है बेटा, इसलिए करेंट डीसी होगा, बिल्कुल। समझ गए? एक पिक्चर में माइंड, एक 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 माइंड में एक पिक्चर बना। ओके चलो, अब तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कुछ। आर्क का मतलब होता है स्पार्किंग, जैसे देखो सूरज, ये सुनो, ये सुनो, देखो तुम्हारे पास मैं आ जा रहा हूं, डरना नहीं, तुम्हारे पास आ रहा हूं करीब। देखो ये तुम्हारा क्या है, मान लो ये फिक्स है और ये क्या है, मूविंग। ये देखो ऐसे था, नॉर्मल कंडीशन था तो ये ऐसे था, था ना? बोलो, था ना? आर्क मतलब समझाएं, समझा रहा हूं बेटा। देखो ये आपके कॉन्टैक्ट क्लोज थे, जब हेल्दी था ना, हेल्दी था मेरे भाई। लेकिन जैसे फॉल्ट हुआ, कैसे फॉल्ट हुआ? गलती से, गलती से। अब देखो ये कॉन्टैक्ट सेपरेट होगा, जैसे सेपरेट होगा तो इनके बीच का जो मीडियम होगा वो कंडक्टर बन जाता है और उस मीडियम के माध्यम से करंट जाती है। क्योंकि ये करंट किसी कंडक्टर में नहीं है, कंडक्टर के बाहर किसी मीडियम को ब्रेक डाउन करके आया, इसलिए उसे बोला गया आर्क, बोला गया। क्या बोला गया? आर्क। समझे कि नहीं? बोलो, समझे कि नहीं? सूरज कुमार, आप समझ गए? आप समझे कि नहीं? अरे देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस क्या है? एयर है। अगर एयर तुम्हारा कंडक्टर बन जाए तो अरे मेरे भाई, एयर में करंट जा रही है ना, आग दिखेगा, वही है आर्क, वही है आपका आर्किंग करंट। बोलो सर, आर्क का एग्जांपल मैच बॉक्स है। ये कौन सा मैच बॉक्स होता है भैया? इतना इंग्लिश हमको नहीं आती है, मैच बॉक्स वॉक्स का मतलब हमें नहीं आता है। अगर मैच बॉक्स का मतलब होता है माचिस, तब तो बढ़िया है। ठीक है, एबीसीबी में आपका सबसे ज्यादा करंट चॉपिंग की प्रॉब्लम, गौरव शॉट जो भी आपका है, सबसे ज्यादा करंट चॉपिंग की प्रॉब्लम एयर ब्लास्ट में होती है। ओके बहुत बढ़िया, ठीक है चलिए। तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा बेटा, बताना, चलो क्वेश्चन बताओ फटाक से। अब मैं कुछ बातें लिखवाऊंगा, तुमको नोट कराऊंगा। बोलो, सबसे पहला बताना है, अब बताना जरा ध्यान से। यदि 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 फॉल्ट, ध्यान से सुनना, यदि फॉल्ट नहीं हुआ, यदि फॉल्ट नहीं हुआ, ऐसे लिखना, हिंदी में लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, फॉल्ट नहीं हुआ तो, यदि फॉल्ट नहीं हुआ तो बताओ, सर्किट ब्रेकर के जो आपके कॉन्टैक्ट हैं, बताओ क्लोज होगा कि ओपन होगा, जल्दी बताइए। अगर आपके सिस्टम में फॉल्ट नहीं हो रहा है तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट क्लोज होगा कि ओपन होगा, बस इतना बता दो। माचिस, चलिए इतना बता दीजिए। ओके इतना बता दीजिए। क्लोज होगा, और लोग बताएं, सारे लोग बताना, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसीलिए मैं इतना टाइम ले रहा था आपके लिए। क्लोज होगा, और लोग बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आपका ये आपका क्लोज होगा। ये पहला प्रश्न है कि जब आपके सिस्टम में फॉल्ट नहीं होता है तो सर्किट ब्रेकर के आपके कॉन्टैक्ट नॉर्मल कंडीशन में, ये फॉल्ट नहीं हुआ तो नॉर्मल कंडीशन है मेरे भाई। कौन सा कंडीशन है? नॉर्मल कंडीशन है,
नॉर्मल कंडीशन है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, क्लोज होगा। चलो अब बताओ सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट बताना एबनॉर्मल कंडीशन में। एबनॉर्मल का मतलब होता है फॉल्ट हो गया, ओके। अब बताओ एबनॉर्मल कंडीशन में सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट क्या होगा, क्लोज होगा कि सेपरेट होगा, अलग होगा, ओपन होगा, जल्दी से। सर ओपन होगा। अनिल बेटा क्लास ध्यान से सुनो, गलती करेंगे स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं कंपटीशन ज्यादा है, टेक्निकल में वेटेज 50% है मेरे भाई, ओके। चलो बताओ कॉन्टैक्ट क्या होगा एबनॉर्मल कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जल्दी बताएं। ओपन हो जाएगा, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, ओपन होगा, ऐसे ही स्टूडेंट में चाहिए, ओपन होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, बताइए सर्किट ब्रेकर में कितने कॉन्टैक्ट होते हैं, कितने कॉन्टैक्ट होते हैं बताओ, ये सब प्रश्न है, कॉन्टैक्ट होते हैं बताना, होते हैं बताइए सर्किट ब्रेकर में कितने कॉन्टैक्ट होते हैं, सर्किट ब्रेकर में कितने कॉन्टैक्ट होते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिए सर्किट ब्रेकर में कितने कॉन्टैक्ट होते हैं, दो होते हैं, और लोग बताएं, ओपन, दो 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 सबका आ गया, एबनॉर्मल में ओपन होगा, बिल्कुल बेटा एबनॉर्मल में कितने होते हैं, दो होते हैं, बहुत बढ़िया। कौन कौन नाम लिख लो, एक तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, एक तो मूविंग कॉन्टैक्ट, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आप बताइएगा, बताइएगा आपको बताना है ट्रिप सर्किट, सर्किट ब्रेकर की ट्रिप सर्किट, ध्यान से सुनना, सर्किट ब्रेकर की ट्रिप सर्किट, ट्रिप सर्किट, ट्रिप सर्किट, सर्किट ब्रेकर की ट्रिप सर्किट इनर्जाइज होती है, इनर्जाइज्ड होती है, कैसे होती है बताना है। ऑप्शन है तुम्हारा डीसी सप्लाई, सुनो डीसी सप्लाई, सुनना सुनना डीसी सप्लाई, बी आपका है एसी एंड डीसी बोथ, एसी एंड डीसी बोथ, सी ऑप्शन है वनली आपका एसी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, बताइए सर्किट ब्रेकर की आपका ट्रिप सर्किट किससे इनर्जाइज होती है बताना, बैटरी से, बैटरी का आउटपुट डीसी सप्लाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब बताओ सब स्टेशन पर, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, सब स्टेशन पर, सब स्टेशन पर जो बैटरी होती है उस बैटरी का नाम बताओ, सब स्टेशन पे जो बैटरी लगी है वो कौन सा बैटरी है, जल्दी बताइए, जल्दी कंफर्म करिए, सब स्टेशन पे जो बैटरी लगी है वो कौन सी बैटरी है बेटा, कौन सा है बोलो, कमेंट बॉक्स में छापिए, सब स्टेशन पे जो बैटरी लगी है वो कौन सी बैटरी है, लेड एसिड, बहुत बढ़िया सर लेड एसिड। चलिए एक प्रश्न और, लेड एसिड आपका बैटरी, लेड एसिड बैटरी, चलिए सब स्टेशन पर ध्यान दीजिएगा, फिर अगला प्रश्न है सब स्टेशन पर जो बैटरी है उसका कार्य क्या होता है, बैटरी है उसका काम बताओ क्या होता है, क्यों बैटरी रखा है हमने, सब स्टेशन पर जो बैटरी हमने रखा है क्यों रखा है सर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए, सारे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, कंफर्म करिए डीसी, और लोग बताएं सर लेड एसिड बैटरी का यूज हम किस लिए करते हैं सब स्टेशन पर, कंफर्म करिए, इमरजेंसी टू इनर्जाइज ट्रिप सर्किट, ओके। और लोग बताएं और क्या होगा, बिल्कुल एक तो सही अनुराग ठाकुर, लेकिन एक और बताना है, अगर आपने हमसे पढ़ा होगा पावर सिस्टम प्रोटेक्शन तो मैंने बता रखा है, बताइएगा, ओके जल्दी कंफर्म करिए सर, सर्किट ब्रेकर में सप्लाई के लिए, बिल्कुल ये तो बात सही है, कंट्रोल सर्किट के लिए आपका और इनर्जाइज के लिए, और लोग बताएं ट्रिप सर्किट को इनर्जाइज करने के लिए, बिल्कुल आप लोग सभी लोग सही हो, लेकिन एक नहीं बता रहे, देखो सब स्टेशन पे जो बैटरी होता है उसका दो काम है, एक तो सर्किट ब्रेकर के ट्रिप सर्किट को इनर्जाइज करना या डीसी सप्लाई देना, उसके साथ साथ इनकेस कभी इमरजेंसी हो गया तो उस सप्लाई से, उस बैटरी से सप्लाई लेना, तो इमरजेंसी कंडीशन में पावर को डेवलप करना या लाइटनिंग पर्पज के लिए, बात समझना, अभी एनसीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों जो मैं अभी तुमको बता रहा हूं, मैंने अभी बोला ना मैं पेपर देने जा रहा था, तो एनसीएल में ये क्वेश्चन आया हुआ है, सब स्टेशन पे जो बैटरी लगी है वो क्या है आपका, लेडी सीट बैटरी, सर ट्रिप सर्किट ऑफ द टू इनर्जाइज द ट्रिप सर्किट,
एंड दूसरा आपका सब स्टेशन पे जो बैटरी लगा है वो इमरजेंसी पर्पज के लिए भी है। ओके बहुत बढ़िया, चलो इतने प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं, इमरजेंसी सप्लाई फीडर। हाँ बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया। ऐसा करिए अब आप लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ, मैं नोट्स में से आपको लिखवा देता हूं फटाफट जो चीजें आपको जरूरी है। तो लिखिएगा, क्या लिखेंगे, लिखिए लिखिएगा मेरे साथ, लिखिए। ये फिगर बना लिया होगा, बहुत बढ़िया बेटा। इसी फिगर के नीचे तुम लिखना, लिखना सर्किट ब्रेकर। अब लिखना, सब लोग लिखिए, सब लोग लिखिए, सब लोग। सर्किट ब्रेकर एक एक मैकेनिकल स्विच होती है, मैकेनिकल मैकेनिकल स्विच होता है, मैकेनिकल स्विच होता है, होता है, जिसे 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 प्रोटेक्टिंग लाइन के, प्रोटेक्टिंग मतलब जिस लाइन को तुमको रक्षा करना है, जिसे प्रोटेक्टिंग, जिसे प्रोटेक्टिंग लाइन के, लाइन के सीरीज में, प्रोटेक्टिंग लाइन के सीरीज में, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। देखो टाइम ले रहा हूं, किया जाता है, लेकिन एक माइंड में तुम्हारे ना पिक्चर क्रिएट करके जाऊंगा कि सर भूलेगा नहीं फिर कभी, ठीक है। ओके सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट लिखना, यह परिपथ को, लिखेगा सर्किट ब्रेकर, लिखेगा सर्किट ब्रेकर परिपथ को, परिपथ को, परिपथ को, परिपथ को नॉर्मल, परिपथ को नॉर्मल या एब नॉर्मल, नॉर्मल या एब नॉर्मल, सामान्य या असामान्य, नॉर्मल या एब नॉर्मल, सर्किट ब्रेकर परिपथ को नॉर्मल या एब नॉर्मल किसी भी कंडीशन में, नॉर्मल या एबनॉर्मल किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में सर्किट को, किसी भी कंडीशन में परिपथ को, परिपथ को मेक मतलब होता है उसे जोड़ना, मेक या ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, जोड़ना और तोड़ना, ठीक है। तो क्या लिखा, सर्किट ब्रेकर परिपथ को नॉर्मल या एबनॉर्मल किसी भी कंडीशन में परिपथ को मेक या ब्रेक, ब्रेक करने का कार्य करता है, करने का, करने का कार्य, करने का कार्य करता है, करने का कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। अर्थात इसी के आगे लिखिएगा, अर्थात अर्थात सर्किट ब्रेकर, अर्थात सर्किट ब्रेकर सभी कंडीशन, अर्थात सर्किट ब्रेकर सभी कंडीशन, सभी कंडीशन जैसे, जैसे नो लोड, जैसे नो लोड कामा, नो लोड कामा फुल लोड, नो लोड कामा फुल लोड कामा नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन या फॉल्टी कंडीशन, या फॉल्टी कंडीशन, या फॉल्टी कंडीशन, अर्थात सर्किट ब्रेकर सभी कंडीशन जैसे नो लोड फुल लोड नॉर्मल कंडीशन या फॉल्टी कंडीशन, फॉल्टी कंडीशन में ऑपरेट होकर, ऑपरेट होकर, ऑपरेट होकर, ऑपरेट होकर सर्किट को, सर्किट को, सर्किट को, सर्किट को अलग कर देता है, अलग कर देता है, अलग कर देता है। समझ गए मेरी बातें, नोट कर लो। स्टार्टिंग का एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूं। देखो सर्किट ब्रेकर एक मैकेनिकल स्विच होता है जिसे प्रोटेक्टिंग, ये प्रोटेक्टिंग लिखा है स्टूडेंट, जिसे प्रोटेक्टिंग लाइन, प्रोटेक्टिंग मतलब जिस लाइन की तुम सुरक्षा करना चाहते हो, जिसे प्रोटेक्टिंग लाइन के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। दूसरी बात, सर्किट ब्रेकर परिपथ को नॉर्मल एबनॉर्मल किसी भी कंडीशन में परिपथ को ब्रेक या मेक या ब्रेक करने का कार्य करता, कोई भी कंडीशन हो, ऐसा नहीं है। जैसे आपने लाइन आइसोलेटर पढ़ा होगा ना, तो लाइन आइसोलेटर केवल सर्किट को नो लोड, नो लोड कंडीशन में ही आपका क्या करेगा, उसको ऑपरेट करेगा, बात समझिएगा, नो लोड कंडीशन में ऑपरेट होता है। और जो लाइन आइसोलेटर होता है चार्जिंग करंट को ब्रेक करता है, भाई नो लोड पे कौन सी करंट होती है, चार्जिंग करंट, और चार्जिंग करंट सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, तो उसी करंट को ब्रेक करने के लिए जिसका यूज करते हैं उसे बोलते हैं लाइन आइसोलेटर,
ओके सर। तो लाइन आइसोलेटर कब ऑपरेट होता है? नो लोड की कंडीशन में। किसे ब्रेक करता है? चार्जिंग करेंट को। लेकिन सर्किट ब्रेकर ना, चाहे नो लोड रहे, चाहे फुल लोड रहे, चाहे हाफ लोड रहे, चाहे फॉल्टी कंडीशन हो, चाहे नॉर्मल कंडीशन हो, सर्किट को तोड़ भी सकता है, सर्किट को जोड़ भी सकता है। इसके लिए कोई भी स्थिति आपका हो, ये सब स्थिति में काम करेगा, सब स्थिति में काम करेगा। बहुत बढ़िया सर, ठीक है, यहां तक नोट करो, आगे बात करते हैं। लिखिएगा, हो गया यहां पर, सभी लोग बताएं, हो गया? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे लिखो। चलो नेक्स्ट लिखना, लिखना यहां पे, लिखिएगा सर्किट ब्रेकर का प्रयोग, सर्किट ब्रेकर का प्रयोग, सर्किट ब्रेकर का प्रयोग, सर्किट ब्रेकर का प्रयोग 3.3 केवी से 3.3 किलो वोल्ट, ठीक है, 3.3 केवी से 765 किलो वोल्ट तक की लाइन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। सर्किट ब्रेकर का प्रयोग 3.3 केवी से 765 केवी तक की लाइन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, नोट करना, ठीक है। आगे लिखो, लिखो सर्किट ब्रेकर में दो कांटेक्ट या इलेक्ट्रोड होते हैं जिसे फिक्स्ड कांटेक्ट तथा मूविंग कांटेक्ट कहते हैं। चलो अब बताओ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या बेटा? जल्दी कंफर्म करिए सभी लोग, आवाज आ रही है? वॉइस आ रहा होगा, अभी क्लियर है? अभी क्लियर हो गया, एक बार ओके बताओ फटाफट सभी लोग। मेहनत कर लो कितना, तीन महीना तुम्हारा लाइफ बदल देगा। और खास करके बेटा उन लोगों को मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा जिनका सिलेक्शन यूपी पीसीएल में नहीं हुआ, ओके okay? और बिहार के बच्चे जितने भी हैं सारे लोगों को वीडियो ये शेयर कर दो यार, देखो सबका भला हो जाए। 2000 सीट है, तुमको एक सीट से मतलब है, लेकिन तुम्हारा दोस्त भी नौकरी करे, तुम भी करो, ये चीज माइंड में सेट करो, ओके okay? तो जितने भी बिहार के स्टूडेंट अगर वीडियो देख रहे हैं सारे लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए स्टूडेंट, ताकि हर लोगों का भला हो जाए स्टूडेंट, ठीक है। आपके लिए मैं यहां पे खड़ा हूं, जितना भी हो सकता है उतना मैं करूंगा, ओके okay? जितना पॉसिबल है उतना मैं आपको करूंगा। डीसी आर्मेचर वाला चैप्टर कब होगा? डीसी आर्मेचर वाला चैप्टर
संदेश यादव हो तो रहा है, यूट्यूब पे करा रहा हूं, शाम को पढ़ाऊंगा ना उसको, ठीक है, समझे। तो देखो मेहनत करना पड़ेगा बेटा, देखो मेहनत, मेहनत का मतलब ये है कि सरकार नौकरी तुमको ऐसे नहीं देगा, तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटी होना चाहिए और अलग होना चाहिए भाई। भीड़ों, लाखों की भीड़ है, उसमें तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, क्यों तुमको सिलेक्ट करेगा, कभी ये सोचा है तुमने? अगर सरकार तुमको नौकरी दे रही है, क्यों दे रही है, क्या सोचा, आपको क्या आता है, कभी ये बैठ के सोचिए। पागल नहीं है ना उसके मत्थे पे लिखा है पागल, जिसको नहीं मन करे उसको सरकार नौकरी दे देगी? नहीं सर, वो आपका देखती है, आपका मेहनत देखती है, आपका लगन देखती है, आपकी कंटिन्यूटी देखती है। अगर ये आपके अंदर है तो आपका सिलेक्शन हुआ है, ये पक्का है, बात समझिएगा। कंटिन्यूस सबसे जरूरी है, आपको नहीं आता है वो अलग बात है, आप पढ़ने में कमजोर है अलग बात है, लेकिन अगर आपने कंटिन्यूस रिविजन किया तो स्टूडेंट एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये बिहार बच्चों के लिए बहुत, आपका वैकेंसी काफी अरसे से 2018 से नहीं आई हुई है, 18-19 में आ रही थी, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, देखो 24 में टपक आई। ओके चलिए देखिए, एबनॉर्मल कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन में सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ओपन ऑटोमेटिकली लिखना, ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं है मैनुअली होगा। नॉर्मल कंडीशन में तुम मैनुअली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी, नो लोड पे खोलना खोल लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन लेकिन जब फॉल्ट होगा ना, एबनॉर्मल कंडीशन होगा, तो यह ऑटोमेटिक अपने आप को, मतलब सर्किट को ब्रेक कर देगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक, क्यों? क्योंकि रिले लगा है, रिले बताएगा अरे ओपन करो सर्किट, नहीं तो लाइन हमारी ब्लास्ट कर जाएगी गलती से, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक लिख लेना, ऑटोमेटिक, क्या लिखा, एबनॉर्मल कंडीशन में सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। चलो यहां तक नोट करो, हाँ, टोटल 18 चैप्टर हैं। बुद्धा बैच आपको स्टूडेंट ऑफर चल रहा है अभी, SRKT 60 आप कोड डालेंगे, कैसे डालेंगे, आप लिखेंगे SRKT 60। ये आप प्ले स्टोर से, अगर हम बात करेंगे प्ले स्टोर से, आप क्या करेंगे, वहां सर्च करिएगा, वहां पे सर्च करेंगे क्या, SRKT एंड प्रतिज्ञा क्लासेस, तो ये डाउनलोड कर लेना और वहां कूपन कोड डालना बुद्धा बैच में SRKT 60, तो तुम्हारा बुद्धा बैच कितना मिलेगा, सॉरी 1000 रुपए के तुम्हारा मिल जाएगा। और 1000 रुपए में तुम मुझसे मशीन भी पढ़ लोगे, पावर सिस्टम जो पढ़ा रहा हूं ये भी पढ़ लोगे, ये वीडियो भी अपलोड हो जाता है उसी में, ठीक है। जितना भी 18 चैप्टर है, मैक्सिमम चीजें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बाकी सर लोग कराएंगे आपको। चलो नोट कर लिया यहां तक स्टूडेंट, कंफर्म करिए, हाँ बिल्कुल सूरज, मेहनत आप ही को करना है। देखो मेरा काम है ना एक सही डायरेक्शन देना, मेहनत तो देखो यार आप ही को करना, नौकरी आप ही को लेना है। मैं हमेशा बताता हूँ, UPPCL में भी बहुत बच्चे आपका सिलेक्ट हुए, लेकिन उनका योगदान 80% है, 20% मेरा होता है। उनको सही डायरेक्शन देना, प्रॉपर तरीके से कॉन्टेंट देना, जो कॉन्टेंट देना उसी से एग्जाम में हुबहू लड़े, ये हमारा उद्देश्य है। ओके बहुत बढ़िया सर, ओके चलिए आगे बढ़े बेटा, बहुत बढ़िया। तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, अब लिखो आगे, लिखेंगे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट प्रायः, सॉरी देखो हिंदी मेरा बड़ा दिक्कत है, फिलहाल मैं आपके लिए लिखता हूं, प्रायः टंगस्टन, कैसे लिखोगे, कॉपर टंगस्टन, ऐसे लिखना कॉपर टंगस्टन, ओके कॉपर टंगस्टन या सिल्वर, ठीक है, सर्किट ब्रेकर के इलेक्ट्रोड या कॉन्टैक्ट कॉपर टंगस्टन या सिल्वर, कॉपर टंगस्टन एलॉय लिखना, सॉरी इन दोनों का एलॉय होता है बेटा, कॉपर टंगस्टन एलॉय या सिल्वर का बना होता है, समझ गए, बहुत बढ़िया सर, ओके समझ गए। अब देखो इधर आ जाओ, समझ गए, तो एक सर्किट ब्रेकर आप तुम फिगर बना लो, देखो ऐसे होता है सर्किट ब्रेकर तुम्हारा,
ओके ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया। और ये तुम्हारा होता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ये देखो, सॉरी ऐसे बनाना, ये देखो, ये दोनों कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ये देखो, ओके। तो ये सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, उसके कॉन्टैक्ट हैं, चलो बहुत बढ़िया सर। अब देखो ये नॉर्मल कंडीशन में अगर बात करें बेटा यहां पे, तो यहां से करंट जाती है, ये सीरीज में कनेक्ट है ना बेटा, तो यहां से क्या जाती है, करंट, लोड करंट। नॉर्मल कंडीशन में ये करंट आपका कुछ इस तरह से आपका प्रवाहित होती है, ये आपका ऐसे आगे निकल जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक कॉन्टैक्ट को क्या नाम दे दिया जाए बेटा, इसको नाम दे दिया जाए फिक्स्ड आपका कॉन्टैक्ट, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। अब देखो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट को पूरा नहीं लिखा जाएगा, एफ डॉट सी से लिख दिया जाएगा। और ये जो कॉन्टैक्ट है ये आपका फॉल्टी एबनॉर्मल कंडीशन में सेपरेट होगा, तो ये है बेटा तुम्हारा मूविंग कॉन्टैक्ट। ये क्या है, मूविंग कॉन्टैक्ट, ये है मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है, बना लो इस फिगर को, इस फिगर को बना लो, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। मूविंग मूविंग आपका जो कॉन्टैक्ट होगा ये किससे अटैच होता है, अटैच्ड विथ आपका ट्रिप सर्किट, अटैच्ड, अटैच्ड विथ आपका ट्रिप सर्किट, ट्रिप सर्किट वाया, या ट्रिप सर्किट ऐसे लिखें, अटैच विथ आपका ट्रिप सर्किट या ट्रिप क्वाइल लिखो, सॉरी ट्रिप क्वाइल, ट्रिप क्वाइल से अटैच्ड होता है। तो मूविंग कॉन्टैक्ट ट्रिप क्वाइल से अटैच्ड होता है, देखा ना आपने, ओके सर, ओके बताइए, कंफर्म करिए, यहां तक क्लियर है, ये कौन सी करंट है, ये लोड करंट है बेटा, ये कौन सी करंट है, लोड करंट। तो देखो ना सीरीज में कनेक्ट किया ना, लोड करंट, लोड करंट का मतलब है जितना तुम्हारी लाइन डिमांड करेगी ना उतना करंट लाइन में जाएगा, और जितने करंट लाइन में होगा नॉर्मल कंडीशन में उतना ही करंट सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के माध्यम से जाएगा। और जब ये सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट सेपरेट होंगे कब, एबनॉर्मल कंडीशन में, ओके सर। सर सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस कितना होता है, बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ऑफर करता है बेटा, ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। अब देखो इसका एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं याद है, लेकिन बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं। अगर तुमको याद होगा तो बता देना, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, या फिर कल मैं बता दूंगा कहीं से देख के, किताबों से, बीटेक वाली किताब से देख लूंगा, ठीक है, मुझे डाटा याद नहीं है इसका, अगर तुमको याद होगा तो मुझे बता देना, ओके। हो गया, जल्दी कंफर्म करो, येलो कलर इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है बेटा, येलो कलर ये करंट है, अभी इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं दिखाया, वो चेंबर में पैक करूंगा तब, जब आर्क फिनोमिना पढ़ाऊंगा तब, अभी यहां तक बात कर लेते हैं, 0.001 होता है, चलिए चेक कर लूंगा स्टूडेंट, अगर ऐसी बात है तो, ठीक है, ओके। यहां पे मैंने लिखा तो नहीं है नोट्स में मेरे, ठीक है, अगर होता है तो बढ़िया है, कम होता है आई थिंक, मुझे इतना पता है, ठीक है, चलो बताना, बन गया बेटा, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे आगे, आगे सर क्या बात करने वाले हो, आगे हम बात करेंगे सर आर्क फिनोमिना यहां पर कैसे आपका डेवलप होता है, ठीक है। तो एक काम करो, एक हेडिंग डालो, एकदम प्यार से पढ़ना, पढ़ते चलना, तब देखो कितना मजा आता है, तब कितना मजा आता है। अब हेडिंग डालो आर्क फिनोमिना, ओके सर। सर हमने 20 माइक्रो ओम लिखा है, सही, आई थिंक उतना ही है, आई थिंक मुझे भी याद हो रहा कि 20 माइक्रो ओम आपका होता है, ठीक है, कल चेक कर लूंगा बेटा, ना तुम घबराना नहीं, कल मैं बता दूंगा तुमको, ये मुझे याद नहीं है यार, ठीक है, एक्चुअल में। चलो नेक्स्ट, आगे बात करते हैं, अब हेडिंग डालो आर्क फिनोमिना, और यहां से बहुत प्रश्न पूछता है आर्क फिनोमिना, आर्क फिनोमिना,
इसका लिखना एम ई एन ओ एन होगा, सॉरी एम ई एन ओ एन, आर्क की घटनाएं फिनोमिना। ओके चलो नोट करो, चलिए नोट करिए आर्क फिनोमिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहिएगा, चाय पानी पीते रहिएगा, हम लोग इसको पढ़ेंगे 12 बजे तक, ठीक है। और आई थिंक कल मैं आपको थंबनेल में दिखा दूंगा, अगर कल संडे है तो मैक्सिमम चांस है कि मैं आपका क्लास लूंगा, मैराथन क्लासेस होगा, कम से कम 4 से 5 घंटे आपका ट्रांसमिशन का। ओके ट्रांसमिशन का, चलिए बहुत बढ़िया। सर ये आर्क फिनोमिना का मतलब क्या है आप मुझे समझा दो, अब देखो ध्यान से समझते रहना मेरी सारी बातें। ओके चलो, तो सबसे पहले बेटा हम एक बनाएंगे चेंबर, ओके, और इसी चेंबर में तुम्हारी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आगे तो सिर्फ टाइप पढ़ना है, आगे क्या पढ़ना है टाइप। तो इसे देखो हम लोग बोलेंगे सर्किट ब्रेकर चेंबर, इसे लिखेंगे चेंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर, चेंबर, सारे कॉन्सेप्ट यहां क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, चेंबर ऑफ सर्किट ब्रेकर। और इस चेंबर में दो चीजें होती है बेटा, एक तो आपका इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड प्लस लिख लेना इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग आपका मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम। अब इंसुलेटिंग मीडियम क्यों यूज किया जाता है बच्चे के दिमाग में ये भी होगा, वो आगे मिलेगा, वो आगे मिलेगा। आर्क की अवधारणा, बिल्कुल सूरज जी बहुत बढ़िया धन्यवाद। तो बच्चे जो बिहार के हैं थोड़ा सा उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो यहां लिख सकते हैं आर्क की, आर्क की अवधारणा, अवधारणा, चलिए आर्क की अवधारणा, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू, ठीक है ओके, ये हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले तुम एक काम करो, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट बना लो, फटाक से बनाते हैं हम लोग, छोटा सा छोटा सा छोटा सा बनाएंगे, छोटा सा, ओके सर बहुत मजा, अरे यार बैक कर लो इसको, ठीक है ओके, छोटा सा बनाएंगे, छोटा सा छोटा सा, ठीक है चलिए ओके, ये रहा ओके ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और इनके बीच तुम्हारा कांटेक्ट बनेगा, तो ये तुम्हारा कांटेक्ट है, जो ये क्लोज है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बेटा, ये कांटेक्ट जो एरिया होती है ज्यादा होता है, देखो कांटेक्ट एरिया क्या है ज्यादा, अरे ऊपर से नीचे तक पूरा कांटेक्ट एरिया है ना तुम्हारा, तो जब भी ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बातें, जब भी नॉर्मल कंडीशन होता है तो कांटेक्ट एरिया क्या होती है ज्यादा होती है, ये ज्यादा होता है, कांटेक्ट एरिया ज्यादा होता है, ठीक है ओके बहुत बढ़िया सर। आगे बात करते हैं बेटा, ये आपका हो जाएगा कॉन्टेक्ट, और ये आपका एक कॉन्टेक्ट, ये तो देखो यहां पर लिख देता हूं, यहां पे अलग कलर से मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं, ये है बेटा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, एफ डॉट सी से ये हो गया फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, और ये है तुम्हारा मूविंग कॉन्टैक्ट, एम डॉट सी, ठीक है मूविंग कॉन्टैक्ट ओके। इंसुलेटिंग मीडियम यूज्ड फॉर इंटरप्टिंग द आर्क, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो यहां पर, यहां पर, यहां पर क्या होता है, यहां पर तुम्हारा होता है, ये होता है स्टूडेंट आपका पूरा का पूरा चेंबर में भरा होता है, क्या भरा होता है सर, इंसुलेटिंग आपका मीडियम, पूरा ये भरा रहेगा, ठीक है ये, चलो समझ गए बहुत बढ़िया। तो ये क्या है सर, ये है आपका इंसुलेटिंग मीडियम, इसे बोला जाएगा बेटा यह है आपका इंसुलेटिंग मीडियम, यह है तुम्हारा इंसुलेटिंग आपका मीडियम ओके। अब इंसुलेटिंग मीडियम में है क्या सर, इंसुलेटिंग मीडियम में वही होगा जैसे बेटा एयर सर्किट ब्रेकर है तो आपका एयर होगा, एयर सर्किट ब्रेकर, अगर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है तो बेटा वैक्यूम होगा, याद रखिएगा, अगर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है तो एयर की ब्लास्टिंग की जाएगी हाई प्रेशर पे, ये आपका एयर ब्लास्ट हो जाएगा,
एयर ब्लास्ट, सॉरी एक मिनट ब्लास्ट, ओके एयर आपका ब्लास्ट होगा हाई प्रेशर पर 20 से 30 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे SF6 तुम्हारा गैस हो जाएगा या फिर तुम्हारा हो जाएगा ऑयल, ओके जो ऑयल भरोगे ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है गैस SF6 भरोगे SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम भरोगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर फिल करोगे तो एयर सर्किट ब्रेकर, हाई प्रेशर पे एयर रहेगा तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। समझे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहां यूज किया जाता है? फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवे या रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ऐसे लिखेंगे। सर यूट्यूब पर रोज क्लास चलेगा ना सर? हाँ स्टूडेंट चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये हो गया, एक बार ये फिगर कंफर्म कर लो, एक बार ये फिगर कंफर्म कर लो, अब कहानी बदलने वाली है क्योंकि यहां से मैं सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट आपको। और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ये वाला देखो, ये आपका है ये कॉन्टैक्ट, इनके बीच की दूरी बहुत कम है, इसे लिख लो डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ये आपका, वो तो डिपेंड करेगा कैसे क्या है, अभी छोड़ो, अभी तुम बस इतना लिख लो 132 किलो वोल्ट। ये क्या है कुल सिलेबस का मतलब है? देखो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक में पढ़ा दूंगा, जैसे एसी डीसी ड्राइव पढ़ा दूंगा, ओके और आर्मेचर वाइंडिंग शाम को पढ़ा रहा हूं, ट्रांसमिशन वाला सेक्शन मैं यहां पे करा दूंगा आपको, जितना पॉसिबल हो सकता है मैक्सिमम चीजें करा दूंगा। लेकिन आपको बुद्धा बैच अगर पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है आपके लिए, भाई सारी चीजें वहां पे, कंप्यूटर है, अंकुर सर का इल्यूमिनेशन है, कंट्रोल पैनल, वो आप अभी एक दो दिन में लेके आएंगे आपको, बात समझिएगा ठीक है। चलो हो गया, क्या लिखें, लिखा है कहां, क्या लिखा है, ये डेल्टा एक्स लिखा है, ये बहुत कम दूरी है बेटा इन दोनों के बीच का, ठीक है अभी उसकी बात करेंगे हम लोग आगे आगे करेंगे। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, बिल्कुल SF6 गैस का पूरा नाम है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज 132 केवी तक होता है। देखो एयर ब्लास्ट एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसका सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, किसी भी लाइन में तुम यूज करो ठीक है, नॉर्मल 66 केवी के ऊपर करते रहो कोई दिक्कत नहीं। बताओ हो गया? यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मेरी बातें जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे क्या कहने वाला हूं, बात समझिएगा ठीक है, ओके। देखो भाई होता क्या है, प्यार से समझाऊंगा, एकदम एक एक लाइन क्लियर करूंगा आपके लिए ठीक है, समझिएगा। यहां पर ये वाला कलर दिखाई देगा क्या? हाँ दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया सर। देखो होता यह है बेटा कि जब ये आपका नॉर्मल कंडीशन होता है तो इस कॉन्टैक्ट के अंदर से जो करंट आपका फ्लो करती है वो आपका करंट आपका कौन सा होता है? ये आपका होता है लोड करंट। अच्छा चलो एक कंडीशन लिख लेता हूं, मैं एक कंडीशन लिखता हूं, बहुत बढ़िया। देखो कंडीशन नंबर वन, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, कुछ लिखना नहीं, समझ लेंगे हमारा काम बन जाएगा, एग्जाम से एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कर ले जाएंगे। कंडीशन नंबर वन, कंडीशन नंबर वन है एट आपका नॉर्मल कंडीशन, एट नॉर्मल कंडीशन, ओके एट नॉर्मल कंडीशन। एक चीज बताना बेटा, अगर ये नॉर्मल कंडीशन रहेगा तो मैं तुमसे ये पूछूं कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, अगर मैं ये पूछूंगा कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर तो तुम क्या बताओगे? सर कहोगे ये आपका रहेगा क्लोज रहेगा, क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, करेक्ट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, ठीक है ओके। कॉन्टैक्ट आपका क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, क्लोज रहेगा, ठीक है। दूसरी बात सर ये बताओ, जब नॉर्मल कंडीशन है फॉल्ट नहीं हुआ तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट क्या है? क्लोज है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे करूंगा डिस्टेंस बिटवीन, अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस आपका बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन आपका, बिटवीन आपका इलेक्ट्रोड या कॉन्टैक्ट, डिस्टेंस बिटवीन आपका इलेक्ट्रोड या कॉन्टैक्ट, आपने क्या बोला? ये है डेल्टा एक्स। अब बताना मेरे भाई, बताना मेरे भाई, अगर डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट की बात किया जाए, जब दोनों क्लोज हैं तो कॉन्टैक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया? जीरो हो गया, जीरो हो गया, ओके जीरो हो गया। बहुत बढ़िया सर,
बहुत बढ़िया, जीरो हो गया। ध्यान से सुनिएगा, अरे बाद में सारी बातें बता दूंगा, ए बी सी बी जो भी तुम्हारा है सब यूज है, कहां यूज करेंगे सारी बातें, अभी पढ़ लेते हैं ना ये चीजें जो मेन है आपका है। ओके 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 ओके, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट क्या है, डेल्टा आपका एक्स क्या है, जीरो है। अगर मैं बोलूंगा वोल्टेज एक्रॉस, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूंगा वोल्टेज एक्रॉस आपका कॉन्टैक्ट, ये बताना जरा ध्यान से, कॉन्टैक्ट क्या है, क्लोज है। क्लोज का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट है भाई। अगर आपका सर्किट क्लोज है तो इसका मतलब दोनों कॉन्टैक्ट क्या है, शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब इन दोनों का नॉर्मल कंडीशन में इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका जीरो आपका हो गया। और दूसरी बात, जो आपका वोल्टेज अक्रॉस कॉन्टैक्ट है इसको मान लो डेल्टा भी, बहुत कम वोल्टेज आपका होगा, 2 से 3% आपका होता है ड्यूरिंग आपका फॉल्ट, बात समझिएगा। तो ये भी आपका क्या है, जीरो आपका बोल्ट है, जीरो बोल्ट। इसको एमएम में लिख लो, 0 मिलीमीटर एमएम। ओके बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर। सर ये तो आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि सर नॉर्मल कंडीशन में कॉन्टैक्ट क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। बेटा वही बात मैंने लिखा यहां तुम्हारे लिए, सर नॉर्मल कंडीशन में दोनों कॉन्टैक्ट के बीच डिस्टेंस कितना, जीरो। अरे दोनों टच है, जीरो है, तो सर तुमने जीरो लिख लिया। वोल्टेज अक्रॉस कॉन्टैक्ट कितना, डेल्टा भी जीरो लिखा। क्यों जीरो लिखा, सर ये शॉर्ट सर्किट है और शॉर्ट सर्किट के दौरान वोल्टेज का मान होता है आइडियली जीरो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे ये बोलूंगा, ये बताना जरा ध्यान से, अगर मैं आप बोलूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल आपका ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओ आर इलेक्ट्रिक स्ट्रेस, ओ आर इलेक्ट्रिक आपका स्ट्रेस, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस। ओके सर, ओके सर, इसे लिखेंगे हम लोग जी से, या लिखते हैं हम लोग वी से, या ई से लिख लो, ई से या जी से। ओके ये कितना होता है, ये होता है सर डेल्टा आपका वी अपॉन, ये होता है आर इंटू एलेन, और ये आर अपॉन आर, और ये है आपका हो जाएगा बोल्ट, किलो बोल्ट आपका पर आपका एमएम, एमएम किलो बोल्ट पर एमएम। ठीक है बोलो, एक बार मैं सूत्र भी देख लेता हूं तुम्हारा। ठीक है, आर एलेन आर बाई आर किलो बोल्ट पर एमएम। ठीक है बहुत बढ़िया। अब ये बताना जरा ध्यान से, ये बताना जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूंगा, या इसको तुम नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हो कि G इज इक्वल टू आपका E, और ये है डेल्टा V अपॉन डेल्टा X, ये भी लिख सकते हो। अब बताना, अगर आपके कॉन्टैक्ट, मेरी 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 बातें सुनिएगा, अगर आपके कॉन्टैक्ट क्या है, क्लोज हैं, तो डेल्टा V का मान भी जीरो, डेल्टा X का मान भी जीरो। तो बताना नॉर्मल कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रिक स्ट्रेस होगा या पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो जीरो किलो बोल्ट पर आपका MM आएगा। बोलो ये बात समझ गए। अब कुछ लोग सोचेंगे सर ये इलेक्ट्रिक स्ट्रेस का मतलब क्या है, दिमाग में आ रहा होगा, आ रहा होगा। सर बुद्धा बैच की वैलिडिटी कब तक है, एक साल, वन ईयर की है स्टूडेंट। ओके तो ये बताओ, G बराबर E और E बराबर क्या है, जीरो। देखो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस का मतलब क्या है, ये कंडक्टर है, सुनना मेरी बात, इधर 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 मेरी तरफ देखो, ये कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो करेगा तो यहां पे चारों तरफ एक स्ट्रेस डेवलप होगा, एक तनाव डेवलप होगा। कैसे सर, देखो ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के सरफेस पर, सरफेस से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, कंडक्टर के सरफेस से आपका डाउन डायरेक्शन में परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, यहां पे जो इलेक्ट्रिक आपका दबाव होता है, जो इंसुलेटिंग मीडियम है उसे ही बोलते हैं, जैसे सिंपल छोड़ो यार ऐसे समझो, देखो ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा है, पढ़ा है सर। तो आप देखे होंगे जब कोई कंडक्टर हाई वोल्टेज वाला ट्रांसमिशन लाइन होता है तो उसके चारों तरफ एक आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड ये स्ट्रांग। तो आप जाते हैं तो आपके हाथ के जो बाल होते हैं, ये जो आपके हाथ में बाल है, रोआ है, आप देखते होंगे उसी के डायरेक्शन में ओरिएंट होगा। इसका मतलब इसके सरफेस पे कोई ना कोई ऐसा चीज है जो प्रेशर लगा रहा है, जो तनाव दे रहा है, स्ट्रेस होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता ना कि इस कंडक्टर के चारों तरफ जो एयर होता है वो आपका एयर इस इलेक्ट्रिक स्ट्रेस को सस्टेन करता है, और अगर वो एयर इस विद्युत दबाव को नहीं सहन कर पाया तो एयर का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन, और उस घटना को हम लोग बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं, कोरोना। ठीक है,
एयर का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, उस घटना को क्या बोलते हैं, कोरोना। तो यहां सुनना मेरी बातें, आपने बोला सर जब दोनों कॉन्टेक्ट क्या है, क्लोज है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, जीरो है, जीरो है, तो कोई भी इस इंसुलेटिंग मीडियम के आपका जो इंसुलेटिंग मीडियम चारों तरफ है उस पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, कोई भी तनाव नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रिक आपका प्रेशर नहीं लग रहा है, इंसुलेटिंग मीडियम मजे में है, उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो क्या लिखोगे अब यहां पर लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, यहां पर अब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, एट दिस कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे लिखते हैं नो, ऐसे लिख सकते हैं नो ब्रेक डाउन, नो ब्रेक डाउन, नो ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम, इंसुलेटिंग आपका मीडियम, नो ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम मीडियम ड्यूरिंग ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन हिंदी में भी बता देता हूं बेटा, नॉर्मल कंडीशन मतलब सामान्य स्थिति में, सामान्य सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में इंसुलेटिंग मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम परावैद्युत माध्यम, इंसुलेटिंग मीडियम का भंजन भंजन नहीं होगा। अब बोलो यहां तक किसी को दिक्कत हो तो मुझे एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में छाप कर बताएं। स्किन इफेक्ट कंडक्टर के अंदर होता है बेटा, वो कोरोना इफेक्ट है, ठीक है, कोरोना इफेक्ट, बताओ एक बार कंफर्म करो, एक बार कंफर्म कर लीजिए, ओके। यहां तक किसी दिक्कत हो तो प्लीज एक बार पढ़ो और बताओ मुझे। कंफर्म करिए, यहां तक किसी को दिक्कत हो सो प्लीज मुझे बताएं, हां सर मुझे प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दो या मैं दोबारा वीडियो देख के समझ जाऊंगा या जाऊंगी, फीमेल है तो गी, मेल है तो गा, ठीक है। चलिए आ गया सर, बहुत बढ़िया, जो लोग हमसे पढ़े होंगे एक बार ना प्रोटेक्शन, उनका तो पूरा पिक्चर क्लियर दोबारा से हो रहा होगा, दोबारा से हो रहा होगा। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज, चलो स्टूडेंट रिपीट करते हैं, और लोग बताएं, कंप्लीट सर बहुत बढ़िया, और लोग बताएं, और लोग बताएं स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई, चलिए यस सर, एक बार और मैं तुमको समझा देता हूं, एक बार और मैं आपको, यस सर क्लियर है, एक बार और समझ लो, ठीक है, कुछ बच्चों का स्टूडेंट का दिक्कत है समझो। देखो क्या बोला, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, देखो नॉर्मल कंडीशन में स्टूडेंट ये दोनों कॉन्टेक्ट क्या है, आपस में क्लोज है, इंसुलेटिंग मीडियम ये पड़ा हुआ है, आयल या तुम एयर वर जो भी तुम्हारा पड़ा हुआ है, मजा से आराम से बेचारा एकदम गदगद है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई तनाव सहन नहीं करना पड़ रहा है, जब तुम्हारा क्या है नॉर्मल कंडीशन है, फॉल्ट नहीं हुआ। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या क्या होता है सर, ये होता है, देखो नॉर्मल कंडीशन में सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट स्टूडेंट क्या होते हैं, ये सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट क्लोज होते हैं, बहुत बढ़िया सर, दोनों सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के भी डिस्टेंस जीरो होता है, बहुत बढ़िया सर, वोल्टेज अक्रॉस कॉन्टैक्ट कितना होता है सर, जीरो होता है, शॉर्ट सर्किट है, बहुत बढ़िया सर। तो सर पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, जी बराबर वी, जी बराबर ई बराबर डेल्टा वी अपॉन आर लॉग आर अपॉन आर, ओके, किलो वोल्ट पर एमएम में होता है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़िए। तो यहां पर या इसी को जी बराबर ई बराबर डेल्टा भी अपॉन डेल्टा एक्स लिखा, एक्स भी जीरो है, डेल्टा भी जीरो है, तो जी का मान कितना आ गया, जीरो किलो वोल्ट पर एमएम, और जब जी जीरो हो गया इसका मतलब उस इंसुलेटिंग मीडियम को किसी भी प्रकार का किसी तनाव से गुजरना नहीं पड़ रहा है, और जब तनाव से नहीं गुजरेगा, तनाव से नहीं गुजरेगा तो क्या इंसुलेटिंग मीडियम का ब्रेकडाउन होगा, बताना, जैसे तुम कोरोना क्या कहते हो, 33 किलो वोल्ट, 30 किलो वोल्ट के ऊपर की वोल्टता से होगा कोरोना, समझना,
ठीक है। तो यहां इंसुलेटिंग मीडियम का ब्रेकडाउन नहीं होगा, मतलब इंसुलेटिंग मीडियम कंडक्टर नहीं बनेगा, सिंपल सी बात। ओके चलो बहुत बढ़िया सर। अब क्या होगा, ठीक है यहां तक। अब कंडीशन नंबर टू ध्यान से सुनना बेटा, आई थिंक अब तुमको समझ में आ गया होगा। कंडीशन नंबर टू, अब यहीं पे कमाल है, ये सीख लिए तो कई सारे प्रश्न तुम सीख लिए। कंडीशन नंबर टू, कंडीशन नंबर टू, एट एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन, एट एबनॉर्मल कंडीशन, सुनना 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 मेरी बात सुनना, एट एबनॉर्मल कंडीशन। स्टूडेंट एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा सर? अब आप बोलो कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर, सुनना मेरी ध्यान से बातें, कॉन्टेक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब क्या होगा सर, ये ओपन होना, स्टार्ट टू सेपरेट, मतलब अलग होना शुरू होगा, स्टार्ट टू सेपरेट, स्टार्ट टू सेपरेट। अब तुम कहोगे सर कैसे सेपरेट होगा, तो उधर बताया है कि रिले का प्लंजर खींचेगा, ट्रिप सर्किट इनर्जाइज होगा, ट्रिप क्वाइल का प्लंजर खींचेगा, मूविंग कॉन्टेक्ट दूर होना स्टार्ट होगा, स्टार्ट टू सेपरेट अलग होना प्रारंभ होगा, लिख लेना, अलग होना, अलग अलग होना, होना प्रारंभ होगा, प्रारंभ होगा। हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान दें, घबराना नहीं, एक बार मुझसे 10 दिन पढ़ लिए इंग्लिश आ जाएगी आपको, इंग्लिश आ जाएगी सर। सर आपकी कृपा से मेरा सिलेक्शन इस बार TG2 में हो गया है, विजय कुमार पटेल। चलिए बहुत बहुत आपका बधाई हो स्टूडेंट, ठीक है कंप्लीट। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं, ये बताओ डिस्टेंस की बात करें बेटा, बताना डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टेक्ट। अब बताओ डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टेक्ट जो डेल्टा एक्स होगा इज नॉट इक्वल टू 0 mm, बोलो। अब तो कुछ डिस्टेंस होगा ना, बात समझना, अब तो धीरे धीरे अलग होगा, धीरे धीरे अलग होगा, वही कहानी सुना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे अलग होगा। बहुत बढ़िया सर, ओके अच्छा सर, और क्या बात करने वाले हो, ठीक है। और हम बात करने वाले हैं वोल्टेज एक्रॉस, वोल्टेज एक्रॉस, वोल्टेज एक्रॉस कॉन्टेक्ट। देखो अब अलग होगा ना, तो सर्किट जस्ट ओपन हो रहा है, तो अब तो वोल्टेज होगा ना कॉन्टेक्ट के क्रॉस, लेकिन जीरो नहीं होगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0 kV, बहुत सही, बहुत सही सर, बहुत सही, मजा आ रहा सर, मजा आ रहा है। अब देखो अब बात करते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। पोटेंशियल ग्रेडियंट जी इज इक्वल टू आपका ई इज इक्वल टू आपका डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, और ये हो गया किलो वोल्ट पर आपका mm। चलो सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर, आज खाना नहीं खाऊंगा सर, आज पढ़ूंगा तभी खाना खाऊंगा, मजा आ रहा है सर, मजा लीजिए, बहुत बढ़िया सर, मजा लीजिए, ओके हो गया। अब देखो सुनना मेरी बात, तो सर ठीक है आपने बड़ा बढ़िया समझा दिया कि सर ये हो रहा है, ठीक है। अब सुनो क्या होगा, एट एट द, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, अब सेपरेट होना स्टार्ट हुआ तो होगा ये बेटा, एट इंस्टेंट ऑफ सेपरेशन, एट इंस्टेंट ऑफ सेपरेशन, एट इंस्टेंट ऑफ सेपरेशन, मतलब क्या, हिंदी में भी लिखूंगा इसको, घबराना नहीं, यहां पे सेपरेशन के दौरान क्षण, ठीक है, सेपरेशन के मतलब जब कॉन्टेक्ट अलग होगा उस दौरान, इस तरह लिखना, कॉन्टेक्ट ऐसे लिख लेना हिंदी में, कॉन्टेक्ट के अलग अलग होने के दौरान, होने के दौरान, होने के दौरान, ठीक है, इंस्टेंट क्षण बात करते हैं उसकी,
कॉन्टैक्ट के होने के दौरान, ठीक है। तो एट इंस्टेंट ऑफ सेपरेशन, सुनना मेरी बातें, पहले क्या था, ये क्लोज था। अब देखो जैसे जैसे, ध्यान से सुनना मेरी तरफ देखो, जैसे जैसे ये क्लोज था, जैसे अब फॉल्ट हुआ तो ये सेपरेट होगा, तो जैसे सेपरेट हुआ तो उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं जिस समय सेपरेट होना स्टार्ट हुआ था। तो एट इंस्टेंट ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के दौरान आप देखोगे, बताना डेल्टा एक्स पहले जीरो था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, डेल्टा एक्स का मान अभी क्या है, कम है। अरे सुनो कैसे, पहले जीरो था अब सेपरेट हुआ तो अभी बहुत ज्यादा दूर तक नहीं गया, तो उस समय बात कर रहे हैं जब आपका सेपरेट होना प्रारंभ हुआ, तो उस समय डेल्टा एक्स का मान क्या होगा, जीरो होगा, मतलब मिनिमम होगा। अब डेल्टा एक्स मिनिमम हुआ बेटा, तो इधर सुनना, इधर 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 देखो ध्यान से, इधर ये किनारे लिख रहा हूं, यहां देखना सुनना। तो जब आपका डेल्टा एक्स कम हो गया सर, डेल्टा एक्स अगर कम हुआ तो ऐसे कंडीशन में बताना जो आपका जी बराबर ई बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आपका एक्स है, ये कम हुआ तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हुआ, बढ़ा, बताना बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, समझना। तो सर एक काम करो, ये आपका, तो यहां लिख सकते हैं जी आपका ज्यादा हुआ, जी ज्यादा होने का मतलब है इलेक्ट्रिक तनाव ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस बढ़ गया। और जैसे ही सेपरेट हुआ तो बीच में क्या आ गया, इंसुलेटिंग मीडियम, अरे देखो क्लोज था तो इंसुलेटिंग मीडियम चारों तरफ से घेरा था, जैसे सेपरेट हुआ तुरंत उसके अंदर इंसर्ट कर गया आयल, एयर, SF6 गैस, वैक्यूम उसके अंदर गया, तो उसके अंदर अब आ क्या गया, इंसुलेटिंग मीडियम। अब इस इंसुलेटिंग मीडियम को क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस तो बहुत कम है। अब इलेक्ट्रिक स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया तो हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस, इससे क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम। इतना ज्यादा वोल्टेज पैदा हो गया इंसुलेटिंग आपका मीडियम, और जैसे ही इंसुलेटिंग मीडियम का ब्रेकडाउन हुआ तो सर ब्रेकडाउन ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जनरेशन ऑफ आयन, जनरेशन ऑफ आपका आयंस, ओके ओके, आयंस का क्या हुआ, उत्पत्ति हो गया। कैसे सर, अब सोचो इंसुलेटिंग मीडियम का जब ब्रेकडाउन होगा, तो ब्रेकडाउन हुआ तो इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होगा, आयंस का उत्पत्ति होगा, अब इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हो गया, इसका मतलब इंसुलेटिंग मीडियम आपका क्या किया, जनरेशन ऑफ आयन की उत्पत्ति किया, और ऐसी घटना को बोला गया क्या, इसको बोला गया, दिस फिनोमिना इज नोन एज फील्ड इमिशन, क्या बोला गया, फील्ड इमिशन। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो यहां तक क्लियर हुआ, ग्रेटर देन इंक्रीज, इसका क्या मतलब है, आप लोग सभी लोग बताएं, बोलिए यहां तक क्या आपको बातें समझ में आ रहा है। सर मेरा बैच कितने का है, सर मेरा बैच है 1000 रुपए का, बुद्धा बैच ले लो आप स्टूडेंट, ठीक है, बोलो जल्दी से कंफर्म करो, कंफर्म करो सर क्या हुआ, कंफर्म करो एक बार बताएं, क्या यहां तक किसी को दिक्कत है, दोबारा वीडियो देखेंगे सर, बिल्कुल देखेंगे, नहीं आएगा तो सर ये आईटीआई लेवल के भी पढ़ा रहे हैं क्या, आईटीआई लेवल ही है, बिहार के लिए पढ़ा रहा हूं तुमको, सिखा रहा हूं, सीखो ठीक है, आईटीआई लेवल, इतना आसान थोड़े ना बिहार में नौकरी लेना, तुमको समझ रहे हो, लेवल देखो पेपर का, सर ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, इस दौरान जेई वाले भी हैं, डिप्लोमा वाले भी, जेई मतलब जेई वाले बच्चे भी देख सकते हैं, उन्होंने जहां कोचिंग किया होगा ना उससे उस सर ने भी इतना डीपली नहीं पढ़ाया होगा तुमको, ये मेरी गारंटी है, समझ रहे हैं ना, ओके सर एक बार और समझो, फिर देखो हुआ क्या बेटा, सुनना हुआ क्या, कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर आपका अलग होना स्टार्ट हुआ, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट जीरो नहीं होगा, थोड़ा सा बढ़ गया, वोल्टेज अक्रॉस कॉन्टैक्ट जीरो नहीं होगा, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका क्या हुआ, अब आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका कुछ रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो एट इंस्टेंट ऑफ सेपरेशन, देखो जब सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट सेपरेट हुआ तो उस दौरान हुआ क्या बेटा, सेपरेशन के दौरान जो इंसुलेटिंग मीडियम है उसके अंदर आ गई,
ओके सर, तो इंसुलेटिंग मीडियम को सेपरेशन के दौरान हमें यह पता चला कि सर वहां पे दोनों कॉन्टैक्ट के बीच की दूरी तो बहुत कम हो गया, पहले जीरो था, अभी दूर जा रहा था, तो उस समय जब दूर नहीं गया था तो उस समय दूरी कम हो गया। दूरी कम होने से वहां पे इलेक्ट्रिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में तर 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 बहुत ज्यादा तनाव आ गया। अब ये तनाव किसको सहन करना पड़ेगा, जो उसके बीच में जाएगा चपाएगा, ये आपका फिक्स कॉन्टैक्ट, ये मूविंग कॉन्टैक्ट, बीच में कौन आ गया, मान लो इंसुलेटिंग मीडियम आ गया, अब ये चपाएंगे तर 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 होगा यहाँ पे, बात समझना। अब क्या होगा, तो जब आपका इलेक्ट्रिक स्ट्रेस ज्यादा हो गया बहुत ज्यादा, तो बेटा उस इंसुलेटिंग मटेरियल का चाप के दोनों क्या करेंगे, उसका ब्रेक डाउन कर देंगे, और जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ तो पहले इंसुलेटिंग मीडियम था, अब कंडक्टिंग मीडियम बन गया। क्या बन गया, कंडक्टिंग मीडियम। मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा सर, ये एग्जाम में पूछेगा कैसे, मैं बताऊंगा। पुराने बच्चों का छूट है सर, क्या देखो ऑफलाइन पढ़ते हो तो छूट है, बाकी यार यहाँ पे तो छूट नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन में क्या ही छूट होगा। अब 1000 रुपये में यार क्या चाहते हो, ठीक है बोलो। ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटिंग मीडियम, जनरेशन ऑफ आयन, इसे बोला जाता है फील्ड इमिशन। तो बताओ सर्किट ब्रेकर का जब कॉन्टैक्ट सेपरेट होता है तो सबसे पहली घटना क्या आती है, फील्ड इमिशन की घटना होती है। फील्ड इमिशन का मतलब होता है इंसुलेटिंग मीडियम को ज्यादा इलेक्ट्रिक स्ट्रेस सहन करना पड़ा, उस इलेक्ट्रिक स्ट्रेस की वजह से इंसुलेटिंग मीडियम का ब्रेकडाउन हुआ। इंसुलेटिंग मीडियम का जब ब्रेकडाउन हुआ तो वहां इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुआ, और यह घटना कहलाती है फील्ड इमिशन। बोलो करेक्ट, करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक चीज और दिखाता हूं, ये बताना जरा ध्यान से देखिएगा सर। एक चीज और बात करते हैं, हम बात करते हैं करेंट डेंसिटी का। सुनना 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 सुनना, करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी, करेंट डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, और जे बराबर होता है आई अपॉन ए, होता है बेटा, बहुत बढ़िया, ए। तो आई मतलब एम्पियर, आपका प्रति मीटर आपका स्क्वायर, ये तुम्हारा जो एरिया है ना, ये ए है, ए मतलब कॉन्टैक्ट एरिया है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कॉन्टैक्ट एरिया, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, बताइएगा कि जब फॉल्ट नहीं हुआ, नॉर्मल कंडीशन था, तो अब तुम बता दो मुझे, सभी लोग बताओ, नॉर्मल कंडीशन में जो बेटा कॉन्टैक्ट एरिया था वो ज्यादा था कि कम था, बस इतना बता दो, कॉन्टैक्ट एरिया नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा था कि कम था, नॉर्मल वाले में आएंगे। अभी बताता हूं बेटा कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, तुम लोग थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, बताओ नॉर्मल कंडीशन में कॉन्टैक्ट एरिया क्या होगा, बोलो बोलो। कम या ज्यादा, कम या ज्यादा बताइएगा, कम या ज्यादा, कम, कम आ गया, अच्छा ये बात है। और लोग लेस, नॉर्मल कंडीशन में कॉन्टैक्ट एरिया बोल रहे हैं लेस, और लोग कम होगा, सूरज भी बोल रहे हैं कम होगा, और लोग कम, और लोग, और लोग कम, सारे लोग कम, कम कम कम। तो आपने कर दिया गलती, कहां से किया गलती, गलती से कर दिया गलती, ओके। ये बताओ, मैंने ध्यान नहीं तुमने दिया, बेटा ध्यान आपने नहीं दिया इसका मतलब। ये बताइए, जब ये सर्किट ब्रेकर क्या है, क्लोज है, नॉर्मल में है, तो ये बताओ यहां से ये भी तो कांटेक्ट बना रहा है, ये सारा कांटेक्ट बना रहा है, ये देखो ये संपर्क बना रहा है, तो कांटेक्ट एरिया यार यहां से टॉप से बॉटम तक है, ये बॉटम तक है, समझे। तो नॉर्मल कंडीशन में कांटेक्ट एरिया क्या होती है, ज्यादा, मोर, ज्यादा, ज्यादा होती है, ठीक है। अब सुनना, जब ये तुम्हारा सेपरेट होगा तो ये अलग होगा, तो देखो ऊपर वाला हिस्सा छोड़ देगा, यहां भी हिस्सा छोड़ देगा, लेकिन यहां देखोगे अभी स्पार्क बन जाएगा, तो कॉन्टैक्ट एरिया, सॉरी कॉन्टैक्ट एरिया क्या हुआ, कम हुआ ना सर। तो एबनॉर्मल कंडीशन में, देखो एबनॉर्मल कंडीशन में बात करेंगे तो कॉन्टैक्ट एरिया आपका डिक्रीज होता है, कब, एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन। सुनना, आप देखो प्रश्न तुम कितना करोगे बेहतरीन तरीके से, एबनॉर्मल कंडीशन, बहुत बढ़िया सर। तो एबनॉर्मल कंडीशन में कॉन्टैक्ट एरिया क्या हुआ, कम हुआ,
कॉन्टैक्ट एरिया कम हुआ तो सेपरेशन के दौरान करंट डेंसिटी क्या हो गया? ज्यादा। बात समझना। अब देखो, अगर ये करंट डेंसिटी ज्यादा हो गया, डेंसिटी ज्यादा हो गया तो करंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब सर ये बताओ, कम एरिया से ज्यादा करंट फ्लो करना तो करंट, ये देखो इतना एरिया से ज्यादा करंट जाएगा तो करंट उस एरिया से पास नहीं होगा तो आसपास की इंसुलेटिंग मीडियम को अपना कंडक्टिंग पाथ बनाएगा, कहेगा कि मेरा मान बहुत ज्यादा है, हमें ज्यादा एरिया चाहिए। और ये कह रहा है कॉन्टैक्ट एरिया कम हो गया तो ये कम होगा तो कहेगा रुको, हम इतने एरिया से नहीं जाएंगे, हम आसपास का जो मीडियम है उसको हम अपना रास्ता बनाएंगे। और इसीलिए जब आपका कॉन्टैक्ट सेपरेट होता है तो उस समय कॉन्टैक्ट एरिया कम होने से करंट डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, और करंट डेंसिटी ज्यादा होने से करंट उसके आसपास की मीडियम से जाना प्रारंभ कर देगा। इसी को बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। समझ गए? तो करंट बहुत ज्यादा है तो ऐसी घटना को बोला गया आपका थर्मल इमिशन। क्या बोला गया? थर्मल इमिशन। बोलो क्या मजा आया कि नहीं? तो बताओ सर्किट ब्रेकर में कौन कौन से इमिशन होते हैं? सर ये फील्ड इमिशन प्लस थर्मल, जेबी गुप्ता का प्रश्न है। अकाउंट क्लर्क का क्लास कब चलेगा? स्टूडेंट यहां देखो टेक्निकल चलेगी, उसका उम्मीद ना रखें कि अकाउंटेंट का या जो भी नॉन टेक है चलेगा। सर वाइंडिंग वाली दूसरी वीडियो नहीं मिल रही है। स्टूडेंट मिलेगा, उसी यूट्यूब चैनल पे है। बोलो क्या बातें समझ गए? तो चलो एक फिगर बनाओ तुम्हारे लिए। ये देखो, ये देखो, ये देखो कमाल, ये देखो, ये देखो बेटा, चलो ये देखो तुम्हारा कमाल। अब तुमको समझ में आ गया होगा पूरा पिक्चर। देखो पूरा पिक्चर तुमको समझ में आ गया होगा, करेक्ट। ये कौन सा कॉन्टैक्ट है? ये है तुम्हारा फिक्स्ड। ये कौन सा कॉन्टैक्ट है? मूविंग कॉन्टैक्ट। समझे कि नहीं बेटा? बहुत बढ़िया सर। सर समझ रहे हैं? मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है सर, सर बिल्कुल मजा आ रहा है। इतना मजा आ रहा कि बता नहीं सकता सर, बता नहीं सकता। ये देखो अलग हो गया तो इनके बीच, अब देखो ये, देखो ये कमाल, देखो इनके बीच क्या भरा रहेगा। चलो ये, 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 एक काम कर लो, एक काम करो, एक काम कर लो तुम, लो ये लो। अब तुमको पिक्चर पूरा क्लियर हुआ? सर हाँ सर, ये तो मजा आ रहा है सर। ये बात अब समझ में आ रहा है कि जब ये आपके कॉन्टैक्ट क्या थे, क्लोज थे, तो कोई फील्ड इमिशन, कोई थर्मल इमिशन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपका फॉल्ट हुआ तो ये दोनों ओपन होना स्टार्ट हुए, तो ये है तुम्हारा इंसुलेटिंग मीडियम। सुनना सुनना सुनना, बस एक लाइन सारी कहानी हो जाएगी। इंसुलेटिंग आपका मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम। अब देखो जैसे सेपरेट हुआ तो बेटा मैंने बोला इलेक्ट्रिक स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने से सर यहां पर आर्क बन जाएगा, इसे ही बोला गया आर्क। अब बोलो समझे कि नहीं? बोलो आर्क क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, करंट इतना ज्यादा कूद कूद के जाने लगा, और एक तो इंसुलेटिंग मीडियम का ब्रेकडाउन हो गया, तो इसे बोलते हैं आर्क, या बोलो कंडक्टिंग पाथ बन गया। क्या बन गया? कंडक्टिंग चैनल बन गया, मतलब जिसके रास्ते से करंट जा रही है, कंडक्टिंग चैनल। सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, सर ये तो बड़ा गड़बड़ गड़बड़ हो गया। हाँ अब रहने देते हैं, बस दो मिनट और, पांच मिनट और, पांच मिनट ओवर हो रहा, बिल्कुल पांच मिनट और। सर ये तो गड़बड़ हो गया, सर ये तो गड़बड़ हो गया। सुनना सुनना सर, ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कैसे हुआ सर ये बताओ, सुनना मेरी बातें। तुमने क्या बोला कि सर ये सर्किट जो ब्रेकर है ना, ये सर्किट जो ब्रेकर है, ये फॉल्ट कंडीशन में, ये सर फॉल्ट कंडीशन में ऑटोमेटिकली, यहां देखो एबनॉर्मल कंडीशन में तुमने बोला कि सर सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक क्या होगा? ओपन होगा। और ओपन होगा तो तुम सोच रहे थे कि सर्किट ब्रेकर ओपन हो तो आपका सर्किट अलग हो जाए, लेकिन दिक्कत इस बात का है कि जैसे ही आपका फॉल्ट हुआ तो जब ये कॉन्टैक्ट सेपरेट हुआ तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस बढ़ गया। समझना, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस बढ़ने की वजह से इंसुलेटिंग मीडियम का ब्रेकडाउन हो गया, और इंसुलेटिंग मीडियम का ब्रेकडाउन हुआ तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच एक कंडक्टिंग चैनल बन गया। अभी भी करंट उसी रास्ते से जा रही है। इसका मतलब क्या फॉल्ट क्लियर हुआ? अरे नहीं सर, फॉल्ट कहां क्लियर हुआ?
अभी भी तो करंट जाएगी, अभी भी तो करंट जाएगी, क्योंकि इंसुलेटिंग मीडियम का क्या कर लिया, ब्रेक डाउन कर लिया। इसका मतलब अभी भी करंट उसके कॉन्टैक्ट के माध्यम से जाएगी। क्या फॉल्ट क्लियर हुआ? नहीं सर, फॉल्ट क्लियर नहीं हुआ। तो सर ये तो बड़ा दिक्कत है। इसका मतलब फॉल्ट को क्लियर करना है तो आपको इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में जो आर्क बना है उसे समाप्त करना होगा। अगर ये आर्क समाप्त हो गया तो बोलो दोनों कॉन्टैक्ट अलग हो गए, और दोनों कॉन्टैक्ट अलग हुए फॉल्ट क्लियर हुआ, हेल्दी लाइन अलग फॉल्टी लाइन अलग। बोलो समझ में आया, मजा आया कि नहीं, एक बार कंफर्म करो। अब पूरा पिक्चर क्लियर हुआ। इसका मतलब सर्किट ब्रेकर में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम है आर्क सेपरेशन के दौरान जो आर्क बना है उसे समाप्त करना, उसे क्वेंच करना सर्किट ब्रेकर का मेन समस्या है। बोलो आर्क को क्वेंच करना, आर्क को समाप्त करना, आर्क को कुचलना सर्किट ब्रेकर का मेन समस्या है। बोलो कंफर्म, सभी लोग बोले कंफर्म। चलिए गजब सर जी, और लोग बताएं। आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ पीवाईक्यू में सर्किट ब्रेकर के न्यूमेरिकल करा दूंगा। अरे एक एक प्रश्न तुम्हारा लग जाएगा, न्यूमेरिकल थियरी सब सब लग जाएगा। सर दूसरी वीडियो प्राइवेट हो गई। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हुआ होगा तो मैं अभी बात कर लूंगा, बस करिए, बिल्कुल बस करूंगा बेटा। हो गया, और लोग बताएं। पीवाईक्यू कराऊंगा बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, तो चलिए ये सारा नोट्स बना लेना कल की क्लास में। देखो पूरा मेहनत मैंने तुम्हारे लिए कर दिया, क्या क्या होगा, ठीक है। कल क्लास में कुछ बातें लिखवाऊंगा, फील्ड इमिशन, थर्मल इमिशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, क्या क्या पूछा जाता है, और फिर हम लोग बात करेंगे ये आर्क किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये आर्क को कुचलने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं, बात समझना। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, समझ गए? बहुत बढ़िया सर, ठीक है, ओके। तो फिर मिलेंगे कल, अब हम लोग मिलेंगे स्टूडेंट कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट होगा सो प्लीज मुझे आप बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मैं एक बार आपको बता देता हूं, कुछ बच्चों का फिर डाउट था, काफी फोन आता है, प्रॉब्लम हो जाती है हम लोग बताने में। तो देखो जिन बच्चों को फ्यूचर में कुछ करना है, जिन बच्चों को फ्यूचर में कुछ करना है, किसी की बातें नहीं सुनना है, तो वो बैच कौन खरीदेंगे आपका सिलेक्शन बैच, ये सभी एग्जाम के लिए, किसे, सभी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं आपको, ये रामबाण होगा। और एक बार अगर इस सिलेक्शन बैच को पढ़ लिया तो अगर आप जेन्युइन हैं, मेहनत करने वाले आप हैं, तो बेटा ये सिलेक्शन बैच इसीलिए नाम रखा गया है, ये तुम्हारा दिलाएगा सिलेक्शन, चाहे किसी भी स्टेट के लिए हो। इसमें सारे सब्जेक्ट तुम मुझसे पढ़ पाओगे, पावर सिस्टम, जनरेशन, ट्रांसमिशन। जनरेशन ऐसा पढ़ा है तुम बिजली पैदा कर लोगे, इतना खतरनाक मैंने पढ़ाया तुम लोगों को यहां पे, बात समझना। मशीन बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेजरमेंट है, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मेरी गारंटी है, मेरा आपका गारंटी है। पिछली बार भी अभी पेपर हुआ था, हर एक प्रश्न नोट्स से आया, हर बार यही होगा। तो ये सिलेक्शन बैच है। अगर तुम्हें बिहार के लिए पढ़ना है तो बेटा एप्लीकेशन पे है बुद्धा बैच। कौन सा बैच? बुद्धा बैच, ओके, बुद्धा बैच। इसकी आपका ऑफर चल रहा है SRKT60, कूपन कोड डालना बिना स्पेस के, ये कोर्स मिल जाएगा तुमको 1000, और इंजॉय करो, सिलेक्शन लो मेहनत करके। सारे सर पढ़ाए हैं, महेश सर, अंकुर सर, बिपिन सर, और हमारा नाम तो आप जानते हैं, संदीप सर, ठीक है। ऑफलाइन क्लास जल्दी स्टार्ट होगा, बता दिया जाएगा, जे इक्विवेलेंट टू टॉप लेवल, बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया। आप लोगों का प्यार है इसीलिए इतना अच्छा और इतना बेहतरीन कंटेंट मैं आपको देता हूं, ठीक है, ओके। तो फिर मिलेंगे कब? शाम को, भूलना नहीं, शाम को 6 बजे वाइंडिंग की क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोज आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, ओपन क्या है, लैप वाइंडिंग से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, वेब वाइंडिंग क्या होती है, सिंप्लेक्स क्या होता है, डुप्लेक्स क्या होता है, ट्रिपलेक्स क्या होता है, समझ गए, ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।